कर दी है। इस जंग में हमने अपना हाथ खो दिया, जिसके अवज में हमें ये मकान मिला जो हमारा होकर भी हमारा नहीं है। ताज़ा खबरों में दिखाने से हमें हमारा मकान मिलेगा क्या? फिजूल है। जय जवान फरेब की सारी तफलीसात हमने इकट्ठा कर ली है सर, परसों इस पर तहलका होगा हमारे चैनल पर। कोई बदगुमान है सर? आपने काफी मेहनत की है, मगर वो जनाब हमारी मेहनत पर पानी फेर देंगे। हर बार की तरह आपकी ये ताज़ा खबरें हमारे लिए शॉकिंग की खबर बन जाएगी। इस बार कोई बेहतर खबर लेकर आइएगा। शुक्रिया। हेलो, देखो रही मारू से। रुक। श्रीमान नारायण, टेक माय शॉट। श्रीमान, प्रकाश रंजन के बदमाश पीछे है मेरे, मैं मुसीबत में हूँ। फिक्र ना करें, अभी आप कहाँ हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अब कहाँ हूँ। कॉल डिस्कनेक्ट करें, हम अभी वीडियो कॉल लगाते हैं। हमें अपने एतराफ की लोकेशन दिखाएं। रवीना, नीचे झुके। क्या? नीचे झुके। हेलो, अपनी स्कूटी छोड़कर करीब की कॉलोनी में दाखिल हो जाएं। अब वहां से दाईं तरफ मुड़ जाएं। अब बाएं मुड़ जाएं, जल्दी। ओके। वहां करीब में ही चंदा नगर रेलवे स्टेशन है, 2 मिनट में लोकल ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी, उसमें जाइए। बोल, वो चैनल वाली हमें झांसा देकर चंदानगर स्टेशन से लोकल ट्रेन में सवार हो गई है। अगले स्टेशन पर उसे पकड़ना है, इस बार हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। अरे लेकिन हम उसे पहचाने के कैसे? ये तो बताएं उसका लिबास क्या है। उसके हाथ में कैमरा और ब्लू कलर की जैकेट पहनी है। आई, ब्लू जैकेट वाली। वो लोग यहाँ पहुँच गए हैं। मोबाइल के कैमरे से उन्हें शूट कर लें। कैमरा कहाँ है? चल बैग की तलाशी दे। अपनी जैकेट उतार कर अपनी कमर पर बांध लें। ए, कैमरा कहाँ छुपा के रखा है? दिखा। मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं है इसके पास। वो रही, पकड़ो उसे। श्रीमान, उन्होंने मुझे देख लिया। कहाँ गई वो लड़की? वो रही। अब मैं क्या करूँ? करीब में ही बसों का गैरेज है, वहाँ चली जाए। शेर को ललकार रहे हो? आपको पता नहीं हम बद्री के लोग हैं? हाथ पैर तुड़वाने के लिए तफसील की जरूरत नहीं है। अपने इलाके में शेर बन रहे हो? मर्द हो तो हमारे इलाके में आओ। अरे सारा जंगल हमारा, जहाँ चाहे तुम्हें चीर फाड़ सकते हैं। तुम सिर्फ अपना इलाका बताओ, कहो कहाँ आए। आओ गली या मुर्गी मोहल्ला, कल्लू का अड्डा या विस्की मोहल्ला, या फिर खजुए का चारकोप, मिनारा गली, बोरी मोहल्ला, लाल बाग, शंकर गली। तुम सिर्फ बताओ, एमजी रोड या शिवनगर। तुम्हारे घर में पंजा रखकर तुम्हें चीर डालेंगे। ऐसा फाड़ूंगा कि दिल दिमाग समझ में नहीं आएगा। दिल घुटनों में चला जाएगा और घुटने कब्र में धस जाएंगे। बगैर टिकट सीधे ऊपर और ठुकाए में कोई समझौता नहीं है। Oh!
क्यों लड़की हाथ लगी क्या? हिरनी नहीं मिली, एक शेर सामने आ गया। कौन है वो? श्रीमान नारायण, जर्नलिस्ट। भौंक क्यों रहे हैं? भौंकने वाले जानवर हमें पसंद नहीं। हम सिर्फ कलम ही नहीं चलाते, पिस्तौल भी चलाते हैं। कमबख्तों, फौजी मुल्क की हिफाजत की खातिर अपनी जान निसार करता है, और तुम उनकी जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा करोगे? अगली मर्तबा उस जमीन पर नजर आए तो वहीं दफन हो जाओगे, समझे? चुप दे, नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। चुप दे। देखो मेरी बात सुनो, अगर श्रीमान को पता चल गया ना तो क्या कर लेंगे? Yes. क्या कह रहे थे आप? अगर ताज़ा तरीन खबरें दिखाए तो हमारे लिए शॉकिंग खबरें हो जाएंगी, अब उल्टा होगा सर। नामुमकिन है। उनके कैमरे की चिप हमारे हाथ में है। शुक्रिया। ए, क्या हुआ? इस तरह से हमें क्यों घूर रहे हो? क्या कर लेंगे? अब यहाँ से लेकर दिखाइए। अच्छा तो तुम ये देखना पसंद करोगी? अब आप हमारे साथ जोर से बर्दस्ती करेंगे? कोई शक है? कोई है? मदद कीजिए, मदद कीजिए। मैं? मदद कीजिए मेरी। आपने हमसे कुछ कहा? मसला क्या है मोहतरमा? अच्छा तो ये मसला है, अकेली लड़की को देखकर हवा में उड़ रहे हो? मत करो, हाथ चला। लड़की को छेड़ने से पहले हमारा सामना करना पड़ेगा। वैसे आपके लिए तो मैं ही काफी भाई, रॉड चेन स्टंप सब लेकर इसे सबक दिखाते हैं। काम ले छोटे। शुक्रिया भाई, आप नहीं होते तो क्या होता? नो मेंशन नो टेंशन, इन्हें अब कोई नहीं बचा सकता मुझसे। इन्होंने आपको भाई कहा? तुम सच बोल रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा। आपने भाई कहा? जी हाँ। जान देकर भाई जान नहीं बनना मुझे, अजीब है। एक मिनट, आपको जो करना है करिए, हम चलते हैं भाई। कहाँ चल रही है? क्या है, आपको लग रहा है हम डर जाएंगे? आपके खिलाफ वुमेन हैरेसमेंट का मामला दर्ज करा देंगे, अगले 3 सालों तक हवाला की हवा खाएंगे आप। पुलिस में शिकायत करेंगी क्या? डीसीपी से बात करना चाहेंगे? लगाएं, फोन लगाएं, नंबर नहीं है क्या? हम नंबर देते हैं 9989 9989। सुनो, चुपचाप वो सामान मुझे दे दो तो तुम्हारी उस जगह की कीमत बनी रहेगी। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जान ले लूंगी। ये तुम्हारी आंखें हैं या टाटा सुमो की हेडलाइट है? नीचे करो। आज के सारे प्रोग्राम रद्द कर दो, ताज़ा खबरें आने वाली हैं। सर, ये yes? न्यूज़ दिखाने के बाद हो सकता है हमें धमकी भरे फोन आए। oh. क्यों ना हम पुलिस से पहले ही बात कर ले, है ना? राइट, एसीपी से बात करो। ऐड करेट डबल कर दीजिए। ओके सर, एसीपी लाइन पर है। हेलो, हम चैनल 6 के कोल्हापुर से बात कर रहे हैं। दरअसल हम हिट लिस्ट में शुमार होने वाले हैं, इसीलिए हमें सिक्योरिटी चाहिए, राइट? और हो सके तो जेड कैटेगरी। आपको खतरा किससे? बद्री प्रसाद, प्रकाश रंजन और हर्षद राणे, समझ गए? राइट, फॉरन सिक्योरिटी का इंतजाम करवाएं। बहुत बहुत मुबारक हो, हमने हमारे चैनल के लिए हाई सिक्योरिटी का इंतजाम किया है। चिप कहाँ है? ब्रेकिंग न्यूज चलानी है। सर, ताज़ा खबरें तो चल रही है सर। चिप इनके पास है तो ताज़ा खबरें कहाँ से चल सकते हैं पागल? सर, ब्रेकिंग न्यूज तो चल रही है पर किसी और चैनल पर। जय जवान हाउसिंग सोसाइटी के फरेब का पर्दाफाश किया है हमारे पसंदीदा रिपोर्टर श्रीमन नारायण ने। इस फरेब में शामिल है मिनिस्टर बद्री प्रसाद, काले प्रकाश रंजन और मशहूर हवाला दलाल हर्षद राणे। माफ करना सर, हमने चिप चुरा कर अपनी पोशीदा हिस्से में रख लिया था, लेकिन फिर श्रीमन ले गए सर। एसीपी का फोन सर। कोल्हापुर एसीपी बात कर रहे हैं, आपकी हिफाजत का इंतजाम कर दिया है, कोई और खिदमत? जरूरत नहीं है, बद्री प्रसाद, प्रकाश रंजन, इन सब के साथ अभी मेरा समझौता हो गया। सर, बाकी के प्रोग्राम तो रद्द कर दिए हैं, अब हम क्या दिखाएं? फल की फिक्र ना कर ऐ इंसान, सिर्फ नेकी किए जा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। चैनल 6 का सीईओ कोल्हापुर खुद आज तमाम दुनियादारी कुर्बान करके हाथ में घंटी लेकर भगवत गीता में दिए गए श्लोक गाते फिरेंगे।
अगले महीने से आपकी तनख्वाह 10,000 बढ़ा रहे हैं। आंखों पर ककड़ी रख के घर जाकर सो जाओ। किसी की सिफारिश लाने की गलती मत करना, राइट? जय जवान हाउसिंग सोसाइटी के फरेब का पर्दाफाश किया है हमारे पसंदीदा सहाफी श्रीमान नारायण ने। जय जवान हाउसिंग सोसाइटी फरेब में रियासत के वजीरे ज़राअत बद्री प्रसाद, उनके साले प्रकाश रंजन और मशहूर हवाला दलाल हर्षद राणे शामिल हैं, और इनका पर्दाफाश किया है Z24। और हुकूमत ने जमीन फिर से फौजियों को सौंपने का हुक्म जारी किया है और वजीरे ज़राअत बद्री प्रसाद से उनकी गद्दी छीन ली है। जब वो खबीज का बच्चा मुझे धमका रहा था तो क्या कर रहे थे? 2 करोड़ का सहाफी प्रकाश रंजन को धमकी दे रहा है। अरे कमबख्त, उसी समय उसे ठोक क्यों नहीं दिया? तमाम उज्ज्वला टाउनशिप उठाकर उसने फौजियों को दे दी, मरने के बाद भी आंखें। अरे पहले ही मुसीबत कम है क्या जो तुम हमारी जान लेने पे बनाए? पता है श्रीमान नारायण ने हमें बर्बाद करके रख दिया है। खामोश है ना, हर्षद भाई का फोन है मलेशिया से। कही हर्षद भाई, प्रकाश से कहें गुस्सा काबू करे। आप तो जानते ना कितनी जल्दी गर्म हो जाता है। ये 16 बोतल का बुलबुला है, फटाक से ऊपर आएगा, घटाक से नीचे जाएगा। जरा फोन दे उन्हें। हेलो हर्षद भाई, बात करना चाहते हैं, कान पर रखना। हर्षद भाई, हम उस खबीज को नहीं बख्शेंगे। 24 घंटे के अंदर उसकी मैयत उठेगी। का काम शैतान का होता है। श्रीमन कोई कमजोर्फ इंसान मालूम नहीं होता। हम उसे खत्म नहीं कर सकते, न ही उस तक पहुंच सकते हैं। उसका काम तमाम करने के लिए कोई साजिश रचनी होगी, दिमाग खर्च करना होगा। उसके लिए वक्त चाहिए। बातें सुना रहे हमें, ये ले। किस्मत है फकीर तो कहाँ से मिलेगी खीर। अरे जल्दी से पंडित को बुलाओ। हे सीनियर जूनियर पंडित को लेकर आए जल्दी। जनाब कोई बात थी? जी नहीं, कुश्ती लड़नी थी। क्या बात है जनाब? ओहदा चला गया, माल डूब गया, रुतबा खत्म हो गया। अब ऐसा जबरदस्त अमल करें कि हम वजीर आला बन जाएं, सबका खून चूस ले, हमें हमारे पिता की मनुष्यत लगी है। पहले उनकी रूह से छुटकारा दो वरना तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। हम लोग मशहूर हैं नेक काम के लिए। हाँ। और ये कमबख्त हमसे बदकाम करवा रहा है। ऊपर वाला आपके पिताजी के रूह को सुकून दे। वो भी अजीब है। 5 साल हो गए लेकिन खाना तो दूर, हमारे दिए गए अनाज को कभी देखने तक नहीं आया। जाने कौए के घर काले कौए नहीं आते। दरअसल बात ये है, कौए मिलावट की वजह से आना नहीं चाहते। वो तो हम नहीं जानते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि कौए इसे खाए और हमारी मनुष्यता दूर हो जाए। आप मत बुलाइए उस्ताद जी, आप जरा बुलाइए। बेहतर। कम कम कौआ कम कम एंड हैव यू मम। कैसी रही हमारी अंग्रेजी? हमारे ख्याल से इन्हें शायद अंग्रेजी नहीं आती होगी। आप रकम निकालिए, कौओ को हम बुलाते हैं। कौआ बुलाओ तिलसिम, कौआ बुलाओ तिलसिम, कौआ बुलाओ। चिकन जनाब, जैसा हम कहते हैं वैसा कीजिए। आंखें बंद करके अपने पिताजी की आत्मा के लिए दुआ कीजिए। हम लोग कौओं को बुलाते हैं। आइए उस्ताद जी। ये तुमने खाने की थाल में क्या रख दिया? चिकन का टुकड़ा है उस्ताद जी। गुनाह है अजीम। दिमाग खराब मत कीजिए। क्या करोगे? आप लोग आंखें खोलिए, कौवे आ रहे हैं। कैसा लगा उस्ताद जी? अरे पंडित जी एक बात बताओ, हमने कौओ की दावत रखी थी, ये गिद्धा कर क्यों लेके चले गए? आपके रुतबे के हिसाब से वो आकर ले गया। बहुत अच्छी बात है, 5 साल के बाद आखिरकार हमारे पिता की रूह को सुकून मिल गया है। हालांकि मैंने खाना छोड़ दिया। अरे सुनो तो, इन्हें सिर्फ 1100 नहीं पूरे 11,000 दे देना। अब जाइए जाइए, पैसे लेकर आइए। जीजा जी, रूह को तस्कीन पहुंचाने वाला खाना कौवे के बजाय चील ले गए। चाहे कुछ भी कहें, आज का दिन बहुत मुबारक है। चलिए, इस साल के इंतखाब का सेहरा आपके सर ही होगा। उस्ताद जी, आपके ऊपर कितना कर्जा है? यही कोई 20,000। बकाया नहीं चुकाना है, लेकिन बकाया अदा करने के बाद कुछ रकम बच जाए उसके लिए हमारे पास मंसूबा है। कैसा मंसूबा? आइए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। जनाब बद्री प्रसाद जी, 2 दिन बाद इंतखाबात के नतीजे आने वाले हैं। अच्छा, अच्छा। हमारे उस्ताद जी से अगर आप दुआ करवा लेंगे तो नतीजा 100% आपके हक में होगा। इंतखाब के लिए दुआ? चलिए एक काम कीजिए, आप दुआ करवा ही दीजिए, मगर इसमें 50,000 का खर्चा आएगा। ऐसा तो हाथ का मैल है, कहीं और हाथ रगड़ूंगा तो आ जाएगा। आप तो दुआ कीजिए, इन्हें इंतखाबात में कामयाबी मिले, इनकी सारी हसरतें पूरी हो, सारे अरकान बखूबी पूरे हो, हमारा हदिया मिल जाता था। शुक्रिया। अब हमारी मुलाकात नतीजे के बाद होगी। अब हम इनके वीजरे आला बनने के लिए दुआ करेंगे। रुक जाए पंडित जी, और इनाम मिलेगा लगता है। अब आप घर से तभी जाएंगे जब भाई साहब इंतखाब जीत जाएंगे, और अगर हार गए तो सीधे ऊपर। अब
क्या करें जूनियर, अगर हम जिंदगी भर यहाँ रहे तो हमारी अहलिया हमारी शक्लें भूल जाएंगी। आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ से निकलने के लिए बड़े बड़े मंसूबे हैं हमारे पास। खामोश, अब कोई मंसूबा नहीं। कमाल कर दिया बेटा, बस आपकी बदौलत ही हम फौजियों को हमारी जमीन वापस मिल गई। कल तक ये सभी सिर्फ श्रीमान के नाम से वाकिफ थे और आज मुलाकात भी हो गई। आप हमारे चैनल के लिए काम करते हैं, ये फख्र की बात है। आपके लिए खुशखबरी है, अब से आप पद्मश्री कैलाश नारायण के बेटे कहलाएंगे। पिता की कामयाबी बेटे को मुबारक हो। पद्मश्री, हमें इस बात की खबर अभी अभी मिली है। इस साल के पद्मश्री अवार्ड्स में आपके पिता का नाम भी शामिल है। शाम तक कानूनन ऐलान हो जाएगा। शुक्रिया सर, हमें अभी के अभी जाना होगा। कहाँ जाना है? ये खुशखबरी हम अपने पापा के साथ बांटना चाहते हैं। बेहतर। ये सब क्या है, ये सजावट, ये तैयारियाँ किस लिए? पिताजी, मुझे कुछ नहीं पता, भाई जान से ही पूछ लीजिए, मुझे बहुत काम है। ए गोपी, गोपी रे, जरा तुम बताओ ये सजावट किस लिए हो रही है? अरे चाचा जी, मुझे ऐसे ही कम टेंशन नहीं है। अरे किस बात का टेंशन है? श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी ना, तो सारी दुनिया को उसका इल्म कैसे हुआ, तभी तो चोरी हुआ करती थी। अरे चल, कुछ भी बकवास करता है। श्रीमान पापा, ये नया लिबास पहन ले। ये नया लिबास किस लिए? आज ना तो दशहरा है ना ही दिवाली है। बताते हैं, पहले आप इसे पहनिए तो सही। जल्दी जाइए, जाइए जल्दी, जाइए ना, पहन के आइए, जाइए जाइए पापा जल्दी। अरे कम से कम तुम ही बता दो, ना तुम्हारी सालगिरह है ना हमारी, ये खुशी आज का दिन बहुत खास है। आज आपको माँ आपको बता दिया तो ये हमें बातें सुनाएगा। सुनिए, टाइम हो गया है, टीवी ऑन कीजिए ना। आज हमारे चैनल के मालिक कैलाश नारायण के लिए एक बड़ा दिन है। महबूब नगर में पले बड़े कैलाश नारायण की पैदाइश एक जमींदार परिवार में हुई। उन्होंने किसानों की तकलीफों को अपना समझा, उनके रहनुमा बनकर खड़े हुए। इतना ही नहीं, अपनी जमीन जायदाद बेचकर उन्होंने कोल्ड स्टोरेज खरीदे। गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि किसान इस मुल्क का दिल है और उसकी जमीन इस मुल्क की धड़कन। ऐसे ही है हमारे कैलाश नारायण, जिन्हें हुकूमत पद्मश्री पुरस्कार से इज्जत अफजाई कर रही है। बेटा, पद्मश्री मिलने की खुशी तो है, लेकिन सच कहें तो जब हमारे किसान को इज्जत मिलती है तब हमें सच्ची खुशी मिलती है। जी पता है, आप किसानों की खुशहाली पर खुश होते हैं और ये नालायक लोगों के झगड़े फसाद करके इंसाफ दिलाने से। वैसे माँ, आप हमें बदनाम करने का मौका तलाशती रहती है ना। टीवी पर तुम्हारे कारनामे देखकर नींद उड़ जाती है हमारी। ऐसा काम क्यों करते हो जिसमें खतरा हो? टेंशन से बीपी बढ़ता है। आंटी, अपने बेटे की शादी करवा दे, फिर कोई फिक्र नहीं होगी। हाँ। अपनी बीवी के पीछे घूमते रहेंगे, झगड़ा मोल लेने का वक्त ही नहीं मिलेगा। भाई साहब, श्रीमंत की शादी का कोई इरादा है? हमारे इरादे से क्या होता है, ये जब हाँ कहेगा मंगनी कर देंगे। अरे ऐसे कैसे मंगनी कर ले पापा, उसके लिए लड़की चाहिए। अरे भानु, क्या हुआ श्रीमंत, तुम्हारी कोई सलीकेदार सहेली हो तो बताओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं है, जरा साइड में, मैं सब कुछ बता दूँ। अरे क्या कर रही हो, तुम्हारा इरादा तो नेक है ना। 36, 24, 36, इतनी खूबसूरत लड़की सामने खड़ी है, सहेलियों का क्या करना है? जॉन ले लूंगी। अरे दिखाओ मुझे, क्या है इसमें? अरे इनको तो इनकी रास लीला से पहले मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। बानू, आपके शौहर का नाम क्या है? तुम नहीं जानते, श्रीमान। श्रीमान नहीं, श्री कृष्ण कहिए। ये क्या, बस कोल्ड ड्रिंक्स? हार्ड नहीं मंगवाई क्या? सॉफ्ट हार्ड सब मिक्स है। श्रीमान को गोवा ट्रिप याद है? कितना मजा आया था हमें, एकदम माइंड ब्लोइंग था। अरे इनकी पोल को उछेगी, इस बारे में जानना है, बताएं। जानने के बाद क्या करेंगी? रुको मैं बताती हूँ। हम सभी गोवा ट्रिप पर गए थे, कॉलेज ट्रिप था, लड़के लड़कियाँ दोनों। वहाँ पर हमने रात भर पार्टी की थी और उस पार्टी में श्री पूरी 5 बियर पीकर ऐसे लुढ़क गया था। हमें तो बिल्कुल होश नहीं था, हमें ये तक याद नहीं था कि हमारा कमरा कौन सा है। फिर आधी रात को जब हम उठे तो हमने देखा ये मैडम कमरे से गायब थी। फिर हमने एक एक दरवाजा खोल कर देखा, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, और पता ये कहाँ पर मिली? श्रीमन के कमरे में। बाप रे, हमें क्या पता? बस करो, इनमें क्या, सबके सामने शर्मिंदा करोगी क्या? श्रीमन ने कुछ किया तो नहीं होगा ना? अच्छा खासा तजुर्बे का शौहर मिला है तुमको। 5 बोतल पीने के बाद उन्होंने क्या किया होगा? दिमाग से शक निकालने का एक ही तरीका है, उन्हें 5 बियर पिला दे, उसके बाद वो वही हरकत करेंगे जो उन्होंने गोवा में की थी। एक काम करें, आप जाकर फौरन 5 बोतल लेकर आए। अरे आइए ना, बैठिए। अरे ये क्या, इतनी सारी बोतलें यहाँ क्यों रखी हैं? आखिर हुआ क्या है तुम्हें? हमारी मंगनी हुई है, उसी खुशी में लाई हूँ। गोवा में भी तो आपने जमकर पी थी ना। औरत के पेट में कुछ नहीं बचता, अब क्या खाक पता चलेगा। पीजिए ना, अब तुम इतने प्यार से पिला रही हो तो पी लेते, चलो लाओ। एक बोतल में ही रंग बदल गया है इनका तो। ऐसे ना देखें, कुछ कुछ होता है। ये लीजिए ना।
तुम ऐसे जलवे दिखाओगी तो हम बेकाबू हो जाएंगे। अभी से शुरू हो गई ये तो, हद हो गई। चलो अभी से इतने बेकाबू हो रहे हैं, गोवा में क्या खाक पक्षा होगा। तुम तो एकदम चखना लग रही हो। चलो सुनो ना श्रीमान, प्लीज एक और पी लो ना। शादी गई चूल्हे में, जब गाड़ी रफ्तार में आ गई तो बस आ गई। तुम बस रेडी रहना। यहाँ खुद पर काबू नहीं है तो वहाँ तो बेकाबू हो ही गए होंगे। हमने कहा ना फोर्थ गियर लग चुका है, अब एकदम से ब्रेक नहीं लगा सकता वरना हादसा हो जाएगा। अरे बाप रे, अब क्या होगा? क्या कहना चाहते हैं? हम दहाड़ने वाले नहीं, हमला करने वाले शेर हैं। अरे लेकिन दरवाजा क्यों बंद किया? सुनो ये सब गलत है ना? कहने सुनने का वक्त नहीं है, रुकिए। तुम बाकी के ताले खोल दो, बस मुंह का ताला लगा दो। आओ मेरी जान। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा ना करे, छोड़ दे। श्रीमान बच गई। पांच बोतल पीने के बाद तो ये सो ही गए हैं, मतलब गोवा में कुछ नहीं हुआ। यस। और इसकी तो सभी मेहमानों का तहे दिल से इस्तकबाल। सबसे पहले हम मोहतरम वजीर जरा जनाब जनार्दन यादव जी की इज्जत अफजाई के लिए उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहेंगे। आईजी जनाब मार्तंड जी, प्रीमियर बैंक जनरल मैनेजर अय्यर, हम इनके भी इज्जत अफजाई करना चाहेंगे। डॉक्टर श्रीकांत प्रसाद प्लीज। हम सभी एक जगह इकट्ठा हैं ये देखकर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज का ये जलसा एक नेक काम का बाइस होना चाहिए। किसान की रात दिन की मेहनत का फल पूरे आलम को मिलता है, लेकिन अपनी भूख मिटाने के लिए उसे शहर की तरफ रोजी रोटी कमाने जाना पड़ता है। कहते हैं खुदकुशी करना सबसे बड़ा गुनाह है, लेकिन आज यही गुनाह हमारे किसान भाई करने पर मजबूर है। इस मुतालिक आज तक किसी ने नहीं सोचा कि आखिर उनकी तकलीफें क्या हैं? किसी ने उनके आंसू पोछे? उनके सिर पर दुखों का पहाड़ है, ये बोझ हमेशा उनके सिर रहता है। किसान हमारे मुल्क की शान है और हमेशा रहेंगे भी। और जब हम किसान के हक के लिए लड़े तो पद्मश्री थमा दिया। हर रोज हम लोग मंदिर जाकर न जाने कितनी खैरात करते हैं, तो क्या किसान भाइयों के लिए 100 रुपए नहीं दे सकते? उनकी तरक्की के लिए बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर लाखों लोग आगे आएंगे तो करोड़ों रुपए जमा हो सकते हैं। मैं आपसे, इनसे और यहाँ मौजूद हर अमीर और गरीब, अनपढ़ और पढ़े लिखे, सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि इस जय किसान तंजीम में दिल खोल कर हिस्सा लें। आप सबका साथ मिला तो हमारा किसान मजबूत बनेगा। जनाब आपके इस जय किसान तंजीम में हम अपनी जानिब से 100 रुपए देकर इसका आगाज करते हैं। आपके ट्रस्ट की ओर से जो बेहतरीन काम हो रहे हैं उसके लिए हम अपनी जानिब से 10,000 देना चाहते हैं। आदाब। एक मिनट। सभी को हमारा सलाम। प्रीमियर बैंक की जानिब से हम 25 लाख देना चाहते हैं और साथ ही हम हरेक किसान को बिना ब्याज के कर्ज देने की कोशिश करेंगे, यही हमारी ख्वाहिश है। ये लीजिए जनाब, हमारे जानिब से ये 1 लाख रुपए का चेक कबूल कर, साथ ही इन गरीब किसानों और इनके अहलो अयाल का हम अपने हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश नारायण जी। आपके ट्रस्ट को हुकूमत की जानिब से जो बन पड़ेगा हम वो सारी इमदाद करेंगे। इस घर में हर एक अदाकार है, हमें तो बेवकूफ बनाने की मानो सभी ने ठान रखी है। कोई कोई हमारी एक नहीं सुनता। आपकी क्या, हमारी भी कोई नहीं सुनता? माइकिन हमें यहाँ, तुम चलो जाओ यहाँ से। हाँ। बाप तो बाप, बेटा उनका भी बाप है। क्या बात है आंटी, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। देखो तुम्हारी वजह से मेरा डोसा जल गया। एक मर्तबा नहीं 1,000 मर्तबा कहा। बेटा आप बच्चे नहीं रहे, मंगनी हो चुकी है। कैमरा माइक लेकर दौड़ना बंद करे, अपने पापा के काम में हाथ बटाए, लेकिन वो सुने तब ना, टीवी देखते ही टेंशन होती है। आंटी अब क्या है, इस मामले में मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ। अब बस इस तेवर को आप बनाए रखिएगा। इस घर में वो रहेगा या हम रहेंगे? ए, श्रीमन नारायण जल्दी आए। ये क्या है आंटी, आपके तेवर अंकल में कैसे तब्दील हो गए? क्या हुआ? खामोश, या तो तुम इस घर में रहोगे या हम रहेंगे। बिल्कुल वही बात कह रहे हैं। आज तुम काम पर नहीं जाओगे। लेकिन हुआ क्या, लोगों को इंसाफ दिलाने के चक्कर में आजकल तुम बहुत झगड़ने लगे हो। तुम कानून अपने हाथ में लोगे? बात दरअसल, मुंह बंद रखे।
आज के बाद चूल्हे में गई तुम्हारी मुलाजमत। हमारी इजाजत के बिना तुम घर से बाहर कदम नहीं रखोगे। ये क्या हो गया आपको? जवान बेटे पर कोई चिल्लाता है? ये सब शोभा देता है आपको? अपने बेटे से कहें मुलाजमत करने की जरूरत नहीं, घर में बैठे। आपने तो सारी धन दौलत किसानों में खैरात कर दी, अब बेटे के लिए फूटी कौड़ी दे रखी, तो अब क्या ये फुटपाथ पर आ जाए? तुम बीच में मत बोलो, अगर ये नौकरी पर गया तो हम घर छोड़ देंगे। इसने मुलाजमत नहीं की तो हम घर छोड़ देंगे। बेटे की शादी है, घर में होने वाली बहू मौजूद है और ये बेटे से ऐसे पेश आ रहे हैं। देखा आपने ससुर को? वैसे आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो मुलाजमत करे। और पहले आप क्या चाहती थी? मुलाजमत ना करे। अरे बाप रे, बेवकूफ बनाया, जल गया डोसा। आपने तो हमें डरा ही दिया था पापा। अरे तुम्हारी माँ का गुस्सा तो सातवें आसमान पर गोते खा रहा था, इसीलिए जानबूझकर ऐसा किया। वाह क्या बात है। बेटे हम न जाने कितने लोगों की इमदाद करते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम लोगों के साथ ना इंसाफी और फरेब नहीं होने देते, ये बड़ी बात है। आम तौर पर बेटे अपने पिता से दौलत और जायदाद की फरमाइश करते हैं, मगर तुमने हमारे ख्वाब पूरे किए, हमें तुम पर फक्र है बेटा। खुश रहो, चलते हैं। Yes. सर, प्रकाश रंजन अपने किलर पब्स में गैर कानूनी ड्रग्स का कारोबार चला रहा है, हमें ये खबर मिली है, हमें इसका पर्दाफाश करना होगा। हम आपकी तनख्वाह 10,000 रुपए और बढ़ा देते हैं। सर कभी तो यकीन कीजिए। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? हाँ। आप तो ऐसे नाराज हो रही हैं जैसे हमने आपके गैरेज में गाड़ी पार्क कर। पार्क करके तो देखे सही, और यहाँ क्या कर रहे हैं? बड़े तुर्रम खां समझते हैं खुद को। भड़क क्यों रही हो? क्या कर लोगे बे? बे? हाँ बे, कुछ ज्यादा होशियारी दिखा रहे हो। एक लफ्ज भी बे से बात कही ना तो ऐसी सुना देंगे शर्म से पानी पानी हो जाओगी। अपनी शक्ल देखिए क्या कभी? हाँ क्या करने वाली हो? ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश करोगी क्या तुम? ये कोई मजाक नहीं है, जाकर किसी बच्चे की सालगिरह कवर करो जाओ। अब जाएं मिडनाइट मसाले की मेजबानी करें, हम यहाँ पहले आए थे इसीलिए पहले हम कवर करेंगे। ये क्या है? गांव की खटारा बस में लोग सीट पर रुमाल रख के चिल्लाते हैं, पहले हम आए थे और ये तो हमारी सीट है। जाहिल औरत, जाकर अपने दिमाग का इलाज कराए। भोजपुरी फिल्म के अदाकार होश में आ जाए। ये भैया पकड़ो से, ये को भाग रही है। भाई आवाज नहीं आ रही है। क्या बात है, आप हमारा इंतजार कर रहे थे? शुक्रिया। बाजी हॉस्पिटल का रास्ता यही है क्या? शुक्रिया बाजी, चलता हूँ। इस तरह के काम करने से पहले जोखिम पर गौर करना चाहिए, अपना ख्याल रखना। ओए, इंसानियत नहीं है, तन्हा लड़की को अकेले छोड़कर जा रहे हो? चलो। हेलो भाई। हेलो, श्रीमन हमारे पब की सारी पोल खोल देगा, उसके पास सबूत है। हाय। अभी अभी हमने आपको घर छोड़ दिया था, फिर यहाँ क्या कर रही हो? अंदर चलकर बात करें। अरे हमारे घर के आसपास पब के गुंडे बाइक पर चक्कर काट रहे थे, हमें खौफ हुआ तो हम यहाँ आ गए हिफाजत के लिए। ए, कोई जबरदस्ती है क्या? इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? बिल्डिंग की जिम्मेदारी वॉचमैन पर होती है, वैसे ही हमारी आप पर है। चुप करो,
दफा हो जाओ यहाँ से। होशियारी की तो हम चिल्लाएंगे, सारे पड़ोसी जमा हो जाएंगे, इज्जत खाक में मिल जाएगी। तुम चिल्लाओगी चिल्लाओगी, माइक ला कर दे, बोलो। प्लीज एक तन्हा लड़की की हिफाजत के लिए इल्तिजा करनी होगी, प्लीज 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 मान जाइए एक रात के लिए। क्या कहा? बिस्तर अलग होंगे, रात का वक्त है ना, सिर्फ आज रात के लिए। हटो और ज्यादा बनो मत, हाँ ये पहली और आखिरी बार है, दोबारा नजर आई तो दफा कर देंगे। चलिए जाए, जाकर सोफे पर सो जाए। कितना ड्रामेबाज है ये। ये क्या बड़बड़ा रही हो तुम? चादर तकिए के बगैर नींद कैसे आएगी? ज्यादा चिल्ला कर बात ना करे। ए मजनू, उस रोज चिप निकालने में तो बड़ा लुत्फ उठाया था, आज एक और चिप छिपाइए, ज्यादा इंतजार ना करें, उसे भी निकाल लें, दाएं देखे ना बाएं। वैसे सोफा भी बड़ा है, हम दोनों इस पर आराम से बिखर सकते हैं। चलती पुर्जा, बकवास बंद करें नहीं तो उठाकर फेंक देंगे। हाँ, इसे तो बहुत कुछ सिखाना होगा। सीधे सोफे से बिस्तर पर आ गई। रात में सोफे पर हमें ना ठीक से नींद नहीं आई, पर जब आपकी बाहों में आकर सोए तो ख्वाबों में खो गए। अरे बेवकूफ, अब भी नहीं समझे, आपसे मोहब्बत हो गई है। क्या कहा? अरे क्या कहा, पब में गुंडे आपको देखते ही उल्टे पैर लौट गए थे, और उसके बाद हमारे कदम तो सीधा यहाँ आकर पड़ गए। खुश नसीब हो यार, हमारा दिल आप पर आ गया। यही तो मसला है, हद से ज्यादा खुली किताबों तुम हमें पटाओगी, मजाक समझ कर रखा है क्या तुमने? ओवर स्मार्ट, अगर ये जीरो फिगर बीच सड़क पे खड़ी हो जाए तो ऑटो से लेकर ऑडी तक ना सारे के सारे हिल जाएंगे, समझ गए? तो एक काम करे, किसी ऑटो वाले को पकड़ कर शादी कर ले, हमारी पहली मंगनी हो चुकी है। ये देखे, ये मंगनी की अंगूठी है। आपकी मंगनी हो चुकी है? अब तो सब कुछ पता चल गया ना। आपकी शादी होने वाली है तो शायद हमारा यहाँ रुकना सही नहीं होगा। जी बिल्कुल सही। आपको क्या लगता है आपका ये जोर का झटका हमें हिला देगा? आप शादी कर लीजिए, हम दोनों भी साथ रहेंगे, हमारा होगा लिविंग टुगेदर रिलेशनशिप। क्या मतलब? नहीं समझे? अरे मतलब तुम उनसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। अरे ज्यादा चुप मत ना। सुबह सुबह कौन आ गया है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाय हाय। अरे ये क्या, डुअल सिम है क्या? ये डुअल सिम क्या होता है? सिम वन बाहर ऑटो वाले को पैसे दे रही है, अगर उन्होंने सिम टू को देख लिया तो आपका डिस्प्ले उड़ जाएगा। अरे जाए यहाँ से, हमारी मंगेतर आ गई है। हमारी सौतन आ गई, आने दे, हमारी छोटी बहन मानिंद है। वो तो अंदर आ रही है, कुछ करना पड़ेगा। अरे चुप जाओ। उसको पता होना चाहिए ये कमरा पहले से ही बुक है। हाय श्रीमान, तुम अचानक इस तरह कैसे आ गई यहाँ? आपके बिना मन नहीं लग रहा था तो मैं आ गई, नहीं आना चाहिए था। वैसे ये बताएं कि सुबह सुबह आपका फोन क्यों खराब है? अरे सिमटू तो गया, आने से पहले कॉल कर लेती ना। जब भी आपको फोन करते हैं आपका फोन बिजी 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 आता है, दूसरा सिम क्यों नहीं ले लेते? पहले से ही है। पहले से ही है, मुझे नंबर क्यों नहीं दिया फिर? क्या है कि उसे एक्टिवेट करना बाकी है, काफी हॉट नंबर है। शुक्रिया श्रीमान, हमारी मंगनी को इतना वक्त हो गया है लेकिन आपने आज तक मुझे कोई तोहफा नहीं दिया, क्यों? हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। एस, मतलब श्रीमान। बहुत सीनिका। मतलब श्रीमान हमेशा मेरे दिल के करीब रहना चाहते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हमने सोचा था कि शादी की पहली रात में हम आपको ये मुंह दिखाई में देंगे, अब बाकी बातें बाद में करते हैं, चलो शॉपिंग पे चलते हैं जल्दी से। लव यू जॉन। बच गए। हेलो, लगता है सिम टू का बैलेंस कम हो गया है, उसे रिचार्ज कर लें। बाप रे, ये रखो अपना सामान, चलो। ए, हमने आपको तोहफा देकर आपकी मंगेतर को आपका दीवाना बना दिया है, अब आप हमें बतौर तोहफा करा दे देंगे। अब जाएं यहाँ से। वादा? हाँ पापा वादा। आप हमारे लिए ताजमहल बनवाना? हाँ बिल्कुल बनाएंगे, अभी अभी हमने 2 एकड़ जमीन खरीदी है, तुम्हारी मौत का ही इंतजार है, ताजमहल का काम शुरू हो जाएगा, फिलहाल जाएं यहाँ से। मेरी माँ, आपका नाम तो किशन होना चाहिए था। अब्बा ये लीजिए। अरे वाह, बेटे ने दिया हुआ लिबास पहनकर जा रहे हैं, उसे भी साथ लेकर जा रहे हैं? नहीं, उसे कैसे भूल सकते हैं, वो तो हमारी जान है। नमस्ते। आज हम बहुत खुश हैं मालिक। आज तक किसान सिर्फ फसल कटने पर ही खुश होते थे, लेकिन आज से हर किसान हर दिन खुश रहेगा। कल से जय किसान तंजीम का काम शुरू होगा, हम बैंक जाकर आते हैं। जी कहिए पापा। घंटे भर में हम बैंक पहुंच रहे हैं, वहीं आ जाए। हाँ जी बेहतर पापा, हम वक्त पर पहुंच जाएंगे। बेहतर है। हाँ भानु, 1 घंटे में निकलना है, जरा जल्दी करें। देर हो रही है।
अरे चलो चलो चलो। बदतमीज। सॉरी। शुक्रिया। टकरा गए इसलिए आपसे माफी मांगी। आपके टकराने से मालिश हो गई। हाँ? उस लड़के ने टक्कर मारी तो बदतमीज कहा। मेरे श्रीमन से टकरा कर शुक्रिया। चलिए पता नहीं हो क्या रहा है, सारी लड़कियां आप पर ही मरी जा रही। बात क्या है, तुम पर बहुत खिलेगा। एक मर्तबा पहनो। मैं ट्रायल रूम में जा रही हूँ, अगर किसी लड़की से टकराए ना तो जान ले लूंगी। छोड़ो मुझे, श्रीमान, श्रीमान, हेलो, श्रीमान, माफ करना। नमस्ते कैलाश जी, तशरीफ रखें। कैलाश जी, हमें इस बात की बेहद मसर्रत है कि आपका खाता हमारी बैंक में है, हमें बहुत नाज है। ये सब तो आपकी बदौलत मुमकिन हुआ। ऊपर वाले का करम है। एक मिनट, इस कवर में आपकी चेकबुक और पासवर्ड है, चाहे तो सिस्टम में अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं। क्या बात है, किसका इंतजार कर रहे हैं? अपने बेटे का। हो सकता है किसी काम में उलझ गए होंगे, मैसेज भेज दीजिए। कहाँ हो बेटे, जल्दी पहुंचे। कैलाश जी, कैलाश जी, कैलाश जी, क्या हुआ? कैलाश जी, ए, अरे कोई है क्या? सिक्योरिटी, एम्बुलेंस बुलाओ। एपी 36 A111 गाड़ी अभी अभी सिग्नल तोड़कर भागी है, एक एक्सीडेंट भी किया है। वो गाड़ी किस जानिब जा रही है? यस, क्या डॉक्टर? आई एम सो सॉरी, ही इज नो मोर। मां, हेलो श्रीमान नारायण, सारे सिग्नल्स तोड़ के निकल रहे हैं सर। वो किस जानिब गए? पुराना फ्लाईओवर क्रॉस कर लिया सर, मुमकिन है एयरपोर्ट की जानिब जा रहे हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन, कम ऑन, स्टॉप हिम, जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले आएं, उनके पिताजी गुजर गए। आखिर ये हुआ कैसे? सर वो जब से बैंक में आए थे बहुत टेंशन में थे, फिर हमने उन्हें चेकबुक और पासवर्ड का एक कवर दिया। हाँ, वो अपने बेटे को लगातार फोन लगा रहे थे और बहुत ही परेशान थे सर। उसके बाद वो कंप्यूटर पर नेट बैंकिंग के लिए बैठ गए, काफी देर तक बैठे थे, और कुछ वक्त के बाद जब हम उनके पास पहुंचे वो वहां बेहोश पड़े थे। हाँ, और उनका बैलेंस 5,000 करोड़ से सिर्फ 5,000 रह गया था। 5,000 करोड़ की जगह सिर्फ 5,000 ही बच गए? उनके बेटे से कुछ बात हुई थी? उनका बेटा तो फोन नहीं उठा रहा था और ये परेशान हो रहे थे। हमारे ख्याल से
5000 बैलेंस देखने के बाद ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया होगा। जनाब श्रीमान नारायण, पुलिस के रोकने पे आप रुके नहीं और आपसे एक हादसा भी पेश आया है। किसी ने हमारे मंगेतर को अगवा कर लिया था। कहां से? शॉपिंग मॉल से, इसी गाड़ी में। गाड़ी में तो कोई नहीं है। ये बात तो हमारी भी समझ में नहीं आ रही। कांस्टेबल, गाड़ी की तलाशी ले। आपने फोन स्विच ऑफ क्यों कर दिया है? अरे शायद हमारा फोन भी कहीं खो गया है। सरन की कार की तलाशी में बैग, सेलफोन और ये लिफाफा मिला। ये फोन आपका है? जी हाँ सर। ये सब क्या है श्रीमान नारायण? सर, जब हमने इनसे तहकीकात की तो इन्होंने कहा कि इनकी मंगेतर का अगवा हो गया है। सेलफोन के मुतालिक सवाल किया तो कह रहे हैं कि खो गया है, और जब हमने इनकी गाड़ी की तलाशी ली तो हमें पासपोर्ट, मोबाइल और स्विट्जरलैंड का टिकट मिला है। सर, पिताजी गुजर गए, अकाउंट से 5000 करोड़ गायब हो गए हैं, और बेटा स्विट्जरलैंड जाने की तैयारी में है। उन्हें हिरासत में ले लें। जी बेहतर, हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको हॉस्पिटल चलना होगा। हॉस्पिटल? आपके पिताजी का इंतकाल हो गया है। क्या? आम तौर पर बेटे अपने पिता से दौलत और जायदाद की फरमाइश करते हैं, मगर तुमने हमारे ख्वाब पूरे किए। हमें तुम पर फक्र है बेटा। मैसेज है। कहां हो बेटे? जल्दी पहुंचे। कहां हो बेटे? जल्दी पहुंचे। आपके मौत की वजह हम हैं पापा। सारी दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि श्रीमन नारायण गुनाहगार है। जय किसान तंजीम में हुए धोखाधड़ी के लिए यह अदालत हुकूमत को सीबीआई से तफ्तीश कराने का हुक्म सुनाती है। आपकी बदौलत जर्नलिस्ट का नाम दागदार हो गया है। आखिर आपने अपने पिता को? अब तक आप फरेबियों का पर्दाफाश किया करते थे, आज खुद एक जाल में फंस गए हैं। आखिर कैसे सर? इतना बेशरम इंसान है, हम गरीबों के पेट पर लात मार दिया, इसे दोजक में भी जगह नहीं मिलेगी। शर्म आनी चाहिए, अपने पिताजी का ख्वाब बिखेर दिया, हम गरीबों के पैसे खा गया, हमारे खून पसीने की कमाई खा गए। जी हो जाएगा, अब कत्ल किया है तो यहाँ आने के बाद तो लात जूते पड़ेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, और हाँ, हमारी शाम रंगीन होनी चाहिए। कागजी कार्रवाई करने के बाद इसे सेल नंबर 130 में डाल दे। यस सर। बंद कर दो। कहां हो बेटे? जल्दी पहुंचिए, जल्दी पहुंचिए। ए, आपके घर वाले आपसे मिलने आए हैं। बेटा, ये क्या हो गया? हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो हमारे साथ ऐसे हुआ? मैं जमानत की तैयारी तो कर रही हूँ, लेकिन ये आसान नहीं लग रहा। जो हमारी तारीफ किया करते थे, आज वही हम पर थूक रहे हैं। इस तरह रोइए मत। अब ये सब सोचकर अपना दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। अब उसे मुतालिक सोचना है जिस वजह से पापा पर उंगली उठी है। भानु, माँ का ख्याल रखना। सिनिका, हमें फंसाने के लिए बहुत बड़ा जाल बिछाया गया है। होना हो इसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क है। गौर से सुनो, अब तुम्हें क्या करना है। सही करेंगे। अपना ख्याल रखना। तशरीफ रखिए। आई एम शेखर दलाल फ्रॉम सीबीआई। लेट्स कम टू द पॉइंट। 5000 करोड़ कहां छिपा रखे हैं? स्विस बैंक में। खामोश रहने से शक यकीन में तब्दील होता है।
कहाँ है पैसे? उनसे पूछे जिन्होंने पैसों की चोरी की है। लेकिन इस जुर्म के लिए आपको अदालत ने मुजरिम ठहराया है। तो उनसे पूछे जिन्होंने हमें इसमें फंसाया है। ओ, ज्यादा होशियार बन रहे हैं। नहीं, हम तो सिर्फ सच कह रहे हैं। आपके पिताजी के गुजरने से पहले उनकी आखिरी बार बात आप ही से हुई थी। जैसे ही आपको पासवर्ड मिला, आपने अपना फोन स्विच ऑफ किया, फिर बड़ी चालाकी से अपने खाते में सारे पैसे ट्रांसफर कर लिए। नहीं, चिल्ला कर बोलने से झूठ सच में तब्दील नहीं हो जाता, ये मत भूलिए। CBI जरूरत पड़ी तो नार्को टेस्ट भी करवाएंगे और सच उगलवाएंगे। हमसे क्या कबूल करवाएंगे? 2009 सत्यम फरेब, 100 से ज्यादा इंक्वायरियां बैठी, 400 पन्नों की चार्जशीट दायर हुई, लोगों को 7,000 करोड़ का चूना लगा। ये है आपका सिस्टम। 2010 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, हूबहू मुल्क की आवाम को 1,75,000 करोड़ का झटका लगा। इसे आप सिस्टम कहते हैं? बेगुनाहों को पकड़कर बड़े पहाड़ खोदते हैं आप, लेकिन उसमें से चूहिया भी नहीं निकलती। खैर ये सब रहने दे। जय जवान घोटाला, आप पिछले 3 साल से तफ्तीश कर रहे थे, कुछ नहीं कर पाए। 3 दिन, 3 दिनों में हमने उनका पर्दाफाश करके अपने जवानों को उनका हक दिलवा दिया था। बिना CBI की मदद के गुनेगारों को सजा दिलवाई और लोगों के दिलों में जगह बनाई। ये है हमारा सिस्टम। CBI, हुकूमत के मातेहत मुलाजमत करने वाले आप लोग और हुकूमत से सीधा सवाल करने वाले हम लोग। श्रीमान, आप अपने हद पार कर रहे हैं। आपने तो इस मामले में अब जाकर तहकीकात शुरू की, लेकिन हम अपनी तफ्तीश काफी पहले ही कर चुके हैं। सो डोंट ट्रबल द ट्रबल, इफ यू ट्रबल द ट्रबल, ट्रबल ट्रबल्स यू। आई एम नॉट द ट्रबल, आई एम द ट्रूथ। जनाब राजन मूर्ति, आपकी बैंक से 5,000 करोड़ गायब हो गए। लोगों का आपकी बैंक से भरोसा उठ गया है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं और होनी को कौन टाल सकता है? अगर आप इजाजत दें तो चैनल 6 की जानिब से हम तहकीकात करेंगे। CBI अपना काम बखूबी कर रही है, इट इज अंडर प्रोसेस यू नो। लेकिन हम उनसे पहले पता लगा लेंगे। आपका चैनल 6 है, उसके बाद 7 खुलेगा, फिर 8, 9, 10। उसके बाद आप कुछ और सवाल पूछेंगी, मैं कुछ और जवाब दूंगा, उसके बाद फिर उसकी नई तस्वीर पेश करेंगी। अवाम उसमें नए नए सवाल पैदा करेगी, क्यों इतना परेशान होना? आपका चैनल बहुत ही खतरनाक होता है। हम सच्चाई का साथ देने के लिए हाथ उठाए तो 1, 2, 3, 4 चांटे रसीद करके आप कहोगे कि हम ही मुजरिम हैं, फिर राय का पहाड़ बना देंगी, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी। इससे तो खामोश रहना ही बेहतर है। इंटरव्यू खत्म हो गया, अब आप जा सकती हैं। हम पहले भी साइबर क्राइम महकमे में जा चुके हैं, वो रकम किस तरह ट्रांसफर हुई पता लगाने, IP एड्रेस और बाकी तफसील जल्द हाथ लग जाएगी। जनाब राजन, बाकी डिटेल आप ब्रेकिंग न्यूज में देख लीजिएगा। शुक्रिया। गौर से सुने, आज सुबह से ही जर्नलिस्ट, पुलिस वाले और चैनल वाले एक के बाद एक तहकीकात करने आ रहे हैं, और ये सब चैनल साइबर क्राइम IPS एड्रेस सुनकर बहुत टेंशन बढ़ रही है। आप कुछ करें, मामला संगीन होता जा रहा है। आज शाम में ही हम 6 के 6 लोगों को मिलना चाहिए, फौरन। अपना फोन भूल गई थी। ये बात है, ले जाइए। श्रीमान, मंसूबा काम कर गया। बैंक मैनेजर के अलावा और भी कई लोग शामिल हैं इसमें, ये लें, खुद देख लें। पुलिस वाले और चैनल वाले एक के बाद एक तहकीकात करने आ रहे हैं, और ये सब चैनल साइबर क्राइम IPS एड्रेस सुनकर बहुत टेंशन बढ़ रही है। आज शाम में ही हम 6 के 6 लोगों को मिलना चाहिए, फौरन। क्या हम ये खबर टेलीकास्ट कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, इससे वो 5 चौकन्ने हो जाएंगे। सुनेका, तुमने वाकई कमाल कर दिया। Uh-huh.
कौन है जनाब? आपको तो सलाखों के पीछे होना चाहिए। चैनल साइबर क्राइम आईपीएस एड्रेस सुनकर बहुत टेंशन बढ़ रही है। आज शाम में ही हम 6 के 6 लोगों को मिलना चाहिए। हमें माफ कर दीजिए, सॉरी बोलते हैं। माफी मांगकर 5,000 करोड़ के फरेब को पोशीदा रखना चाहते हो? बाकी के 5 कौन है? बद्री प्रसाद, प्रकाश रंजन, हर्षद राणे, आईजी मार्कर, डॉक्टर श्रीकांत प्रसाद और छठे हम। आप लोगों ने उन पैसों का क्या किया बताएं? खत्म। सुनिए, आपके बेटे की बदौलत हमारा जो हाल हुआ उसके सामने कुछ भी नहीं है। हमारी वजारत चलेगी, रातों की नींद खराब हो गई और करोड़ों का नुकसान हुआ सो अलग। उसने हमें धोबी का कुत्ता बना के छोड़ दिया था। शुक्रिया। 5,000 करोड़ का ये बेशकीमती तोहफा अब हम रखते हैं और उसे चुराने का इल्जाम लगाएंगे आपके लगते जिगर पर। अगर आपका बेटा जिंदा बच गया तो वो हमें बख्शेगा नहीं, इसलिए उसे जेल भेजने का इंतजाम कर दिया है। और अगर आपको जिंदा छोड़ दिया तो आपके किसान हम पर हल चलाएंगे। इसलिए दुनिया से आपका रवाना होना जरूरी है। पांच हजार करोड़ अब हमारा वजीर आला बनना तय है। हमारे रास्ते के सारे कांटे खत्म हो गए। हंसने के लिए जिंदगी पड़ी है, जल्दी से अपने अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें। हेलो, हम में से हर एक के हिस्से में कम से कम 820 करोड़ रुपए आएंगे। इतना पैसा देखते ही इनकम टैक्स हम पर रेट डाल देगी। इनका वजीर आला बनना दूर की बात है, हम सब जेल में होंगे। हमने इसका भी इंतजाम कर लिया है। सलीम सर, ऑपरेशन स्टार्ट कर दें। ओके सर। सर, ऑपरेशन सक्सेस। वेल डन, आपके लिए एक तोहफा भेज रहे हैं। शुक्रिया सर। पांच हजार करोड़ ट्रांसफर हो गए, अब इस खाते में सिर्फ 5,000 बचे हैं, काम हो गया। कैलाश जी, बैड लक। पैसों को लेकर झगड़ा होना आम बात है, इसीलिए हम सब 6 के 6 लोग यहाँ एक नया पासवर्ड बनाएंगे। हर एक आदमी अलहदा पासवर्ड का जो भी बटन दबाएं उसे अपने तक महदूद रखें। अकाउंट तब तक नहीं खुलेगा जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे। सारे मामलों को सुलझा लेने के बाद हम हर्षद की मदद से हवाले के जरिए सारा पैसा वापस मंगवा लेंगे। उसके बाद हम अपना अपना हिस्सा बांट लेंगे। नया पासवर्ड मुबारक हो। आजी या आप बड़े मियां के बेटे को घेरें, तब तक मैनेजर इनको हॉस्पिटल रवाना करेंगे। ओके, चलो चलें। आप लोगों ने सिर्फ हमारे पापा की जान नहीं ली, लाखों किसानों की जिंदगी को मौत के हवाले कर दिया। गरीब से गरीब किसान ने अपनी हैसियत के हिसाब से पाई पाई जोड़कर पैसा इकट्ठा किया था। हमें बख्श दे, अपना पासवर्ड बताएं। के ईमानदारी से जीते तो ऊपर वाला आपका खाता बंद करता, लेकिन आपने बदअमली की है इसलिए आपका खाता हम बंद करेंगे। आपकी जिंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ एक सूद का फासला है और हमारे अंदर आपके कत्ल का खून सवार हो चुका है। नो हियरिंग, ओनली किलिंग।
राजन को किसने मारा होगा? और कौन हो सकता है? श्रीमन नारायण ही होगा। वो तो कैद खाने में, वो कैसे मार सकता है? मुमकिन है भाग गया हो। और अगर उसे पासवर्ड का इल्म हो गया तो क्या होगा? उसके लिए आप परेशान ना हो, 5 मिनट में सब पता चल जाएगा। कही अर्शद भाई, वहाँ बैठ कर तालियां बजा रहे हो? मैनेजर का कत्ल कैसे हुआ, कोई खबर मिली? गंबक दिमाग का दही हो गया। अच्छा आप रुके, हम दोबारा कॉल करते हैं। श्रीमन नारायण हवालात में है सर। जेल में ही है। ओके, वो जेल में ही है। हवालात में? इंस्पेक्टर, यहाँ मुंह उठाए क्यों चले आए? हम पर शक कर रहे हो क्या? स्निफर डॉग्स सेंट्रल जेल के पास रुके हैं सर। सुना है जी, हमारा शुभ एकदम सही था, उस श्रीमन ने ही राजन का कत्ल किया है। इंस्पेक्टर सर, जेलर से कहें हमने याद किया जी है। बेहतर। वो कमबख्त हवालात में था और राजन का कत्ल हुआ, दाल में कुछ तो काला है। ये सब छोड़े, राजन के पासवर्ड का किसी को इल्म है क्या? हम कल उसके घर गए थे, फिर ऐसे वक्त में ये सब बातें पूछना ठीक नहीं होगा। रुको अभी कॉल करते। हेलो भाभी जी, हम बद्र प्रसाद बात कर रहे हैं। कहिए भाई साहब। राजन हमारे सबसे अजीज थे, उनके गुजर जाने का अफसोस है। पता नहीं कितना वक्त लगेगा हमसे बाहर आने में, हमारे तो आंसू ही नहीं थम रहे हैं। जी भाई साहब, हम आपका दर्द समझ सकते हैं। वैसे अब हम आपके मायके पुणे जा रहे हैं। भाभी जी, आपको राजन ने किसी बैंक अकाउंट का कोई पासवर्ड बताया था क्या? हाँ बताया था, और उन्होंने हिस्से के मुतालिक भी हमें बताया था। अरे फिक्र ना कीजिए, आपका हिस्सा अब तक पहुँच जाएगा, आप तो बस पासवर्ड क्या है वो बताइए। पासवर्ड के है भाई साहब। शुक्रिया भाभी जी। जी शुक्रिया। के के के। ए हर्षद, हमें राजन की बीवी ने पासवर्ड बता दिया है। वाह, क्या खुशखबरी सुनाई है, हम फौरन आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। जेलर सर, स्निफर डॉग्स हवालात के करीब आकर रुक गए थे। आप कहना क्या चाहते हैं? जाहिर है कातिल आपकी सरपरस्ती में है। वैसे आपका इशारा किस जानिब है? श्रीमन नारायण। वो जेल से निकल ही नहीं सकते। ऐसा बहुत मुमकिन है कि आपके टुन होने के बाद वो हवालदारों को 100-200 देकर वहां से निकल गया होगा। ये तो बिल्कुल नामुमकिन है सर। हमें उस पर शुबा है और उसे। लेकिन हम आपके लिए काम क्यों करें? बेकार ही समझाया गया, 5,000 करोड़ का फरेब और हमारे हिस्से में ये चिल्लर। हम कहे डन। और ये सब चैनल साइबर क्राइम आईपीएस एड्रेस सुनकर बहुत। कातिल बहुत शातिर है, इस फरेब में 5 और लोग शामिल है ये बात तो तय है, इस वीडियो के मुताबिक। हेलो। ए जेलर, खुद को होशियार समझते हो? 1,00,000 रुपए कम पड़े तो पूरा सूट कैसे लेकर गायब हो गए? अब ये बताएं कि काम हुआ या नहीं। नेता नहीं हूँ जो जबान से पलट जाऊं, आज रात ही हो जाएगा। बहुत खूब बहुत खूब। जीजा जी, वो कमबख्त फौत हो गया। अरे क्या कह रहे हो, ये सच है क्या? लीजिए लीजिए खाएं।
आज हम बहुत खुश हैं। जाओ जाकर सबको मिठाई बांटो। नहीं 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 नहीं, आज तो जश्न होगा जश्न। बद्री प्रसाद आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ से आजाद होने का यही बेहतरीन मौका है। जनाब बड़े खुश लग रहे हैं। आज हम बहुत खुश हैं। आज हमारी खुशी का कोई मयस्सर नहीं। तो बताइए क्या चाहिए आपको? जनाब हमें अपने अहलो अयाल की फिक्र हो रही है। अगर आप हमें इजाजत दें। अच्छा, तो ये मामला है। ए, ए, इन दोनों को 50,000 देकर बेइज्जत करके घर पहुंचा। बहुत बेहतर। सुने सुने, बाहर निकलने तक जुबा बंद रखना। क्या कहना, फूसी चल रही है? घर का पता पूछ रहे थे। अच्छा एक बात और, जब कभी आपको याद करें तो आपको फौरन चले आना होगा। अरे पैसे दो, भेजो इन्हें। लाइए जी लाइए, रकम बड़ी है, बड़ी से शॉल में लपेट लीजिए। लाओ लाओ लाओ, जल्दी करें। अरे चिराग बुझ गया, नहीं हमारी जिंदगी से आपका बुझ जा रही हो तू। अरे ऊपर वाले, जल्दी से मुझे बचा ले। ओ अरे सुन, आईजी को फोन कर, जल्दी फोन कर। अरे जल्दी फोन लगाना। ठीक, तुम क्या मुंह ताक रही हो? अरे जाओ ना, चुप। जी जी, फोन बज रहा है। अरे वो जेलर के बच्चे, बताओ श्रीमन फौत हुए कि नहीं, जल्दी बताओ। नहीं सर। नहीं मतलब गई भैंस पानी में, हमारी मिट्टी उठेंगी, नौबत आ गई है। आपको शर्म नहीं आती खबर देते हुए? जस्ट मिस्ड। श्रीमन नारायण अभी हॉस्पिटल में है, सिक्योरिटी टाइट है। अगर खुद से मर गए तो बेहतर, वरना हम मार डालेंगे उसे। अगर उनका काम तमाम नहीं हुआ तो आपका काम तमाम हो जाएगा। हाँ सारे के सारे मुफ्त खो रहे। अरे ये दोनों पंडित क्या अंगा दोगे? वो दोनों अपनी जोरों से मिलने चले गए, उन्हें फौरन पकड़ कर लाओ। ऊपर वाले के नाम पर आप हमें बख्श दें। हमारी और पड़ोस की बीवियां दुआएं दें। हमें छोड़कर जा रहे थे, हमारे सर पर मौत ना चली, इन्हें बीवियों से मिलने की पड़ी है। हमारे लिए जल्द से जल्द लंबी उम्र का अमल करें कि हम 100 साल तक ना मरे। फिक्र मत कीजिए, हमारे उस्ताद जी काम अंजाम हम देंगे, तो तुम घंटा बजाओगे। अच्छा हुआ आप पहुंच गए, आइए आइए बैठिए। डॉक्टर श्रीकांत नजर नहीं आ रहे? दिल पे जो भी बैर बीता। हेलो डॉक्टर श्रीकांत प्रसाद, पिछले 3 दिनों से अपने अस्पताल नहीं गए। उनके अपने कई गेस्ट हाउस हैं, फिर भी आईजी के गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। उनके लिए हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। हेलो हेलो, श्रीमन नारायण, हे सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। नहीं चिल्लाए तो आपकी खोपड़ी उड़ जाएगी, अगर खामोश रहे तो कम से कम 5 मिनट जिंदा रह पाएंगे। ए, आप एक डॉक्टर है ना, स्टेथोस्कोप को जब सीने पर लगाते हो तो क्या सुनाई देता है? धड़कन। धड़कन समझने के लिए दिल चाहिए होता है, जो आप में नहीं है। हमारे पापा हमेशा उन किसानों की फिक्र में लगे रहे जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे, उन्हीं के लिए उन्होंने 5,000 करोड़ जमा किए। कमजर्फ गरीबों के हक का पैसा खाकर कोई चैन से नहीं जी सकता, समझ गए? आपको क्या लगा किसानों की कमाई के पैसों को आप ऐसे ही हजम कर लेंगे? पासवर्ड कहें। बताएंगे तो आप गोली चला देंगे। नहीं बताएंगे तो गोली चलेगी। बताते बताते बताएं। नंबर 9। आप झूठ बोल रहे हैं। सच कह रहे हैं। बताते बताते नंबर 4। मगर आप शूट तो नहीं करेंगे ना? हाँ, श्रीमन की मौत हो गई ना? जी नहीं, श्रीकांत की मौत हो गई। कमबख्त, हमारा माल खाकर हमसे दगाबाजी। आपको श्रीमन को खत्म करने के लिए भेजा था और कह रहे कि हमारा बंदा मारा गया। हो रहा है कि तुम कहीं श्रीमन से तो नहीं मिले हुए? ए, गैस सिलेंडर ले जाने वाली एक लॉरी का ब्रेक फेल हो गया और वो सीधे गेस्ट हाउस में दाखिल हो गई। डॉक्टर श्रीकांत की मौत सिलेंडर के फटने से हुई है और आप लोग कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में लेटे हुए आदमी ने उनका खून किया है और आप लोग हम पर शक कर रहे हैं? यहां के आईजी होने का आपका क्या फायदा? मैनेजर और डॉक्टर की हिफाजत नहीं कर पाए? श्रीमन की हॉस्पिटल से छुट्टी कब हो रही है? कल तक। पहले हमारी हिफाजत का इंतजाम करें। अगर श्रीमन की हर चाल पर नजर रखनी है तो उसके कैदखाने की कोठरी में सीसीटीवी लगवाएं। देर रात को
सिलेंडर से लदी एक लॉरी ब्रेक फेल होने की वजह से सीधा आईजी मार्कर के बंगले में जा घुसी। ब्रेक्स फेल होने की वजह से गाड़ी बेकाबू हो गई सी। इस हादसे में मशहूर डॉक्टर श्रीकांत की मौत हो गई। राजेंद्र सर, कातिल ने कुछ देर पहले हमें कॉल किया था। बेहतर। कह रहा था कि डॉक्टर को आईजी के गेस्ट हाउस में महफूज रखा गया है। जी बेहतर। उसकी बातों से लग रहा था कि उसका अगला टारगेट आईजी ही है। जी हमें होशियार रहना होगा। लेट्स मूव। भाई जान बेकसूर हैं और वो बहुत जल्दी रिहा हो जाएंगे। जिस रोज आप लोगों की शादी तय हुई ना, यकीन मानिए उसी रोज आपकी शादी होगी। गुड मॉर्निंग मिस्टर मातंड। हाँ मिस्टर दलाल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तशरीफ रखें। शुक्रिया। आईजी साहब, आप डॉक्टर साहब को कैसे जानते हैं? बस दोस्ताना था। कब से? साल भर हो गया। क्लब में मुलाकात हुई थी। पिछले 3 दिनों से वो आपके गेस्ट हाउस में क्या कर रहे थे? जान को खतरा है कह रहे थे। किससे? नहीं जानते। हिफाजत पर तवज्जो क्यों नहीं दी? उन्हें कबूल नहीं था। फिर जाती सिक्योरिटी क्या कर रही थी? अब इल्म नहीं। 3 दिनों से आपके गेस्ट हाउस में जाती सिक्योरिटी थी और आपको इल्म नहीं? हम अपने काम में मसरूफ थे। कल आप गेस्ट हाउस गए थे, फिर बाहर की जाती सिक्योरिटी आपने देखी नहीं? कल गेस्ट हाउस नहीं, क्लब में था। कल गांधी जयंती थी, क्लब तो बंद था। फंस गए यार। डॉक्टर श्रीकांत प्रसाद और बैंक मैनेजर राजन मूर्ति बड़े अजीज थे। इल्म नहीं। आप और राजन मूर्ति? हमारा ताल्लुक नहीं। ठीक है, बेहतर। श्रेया नजर डालिए। पसीना पहुंच लीजिए। बोलो आईजी। सीबीआई ऑफिसर शेखर हमारे दफ्तर आए थे, उनके सवालों ने तो हमें परेशान कर दिया। आपकी भी तफ्तीश हो सकती है, होशियार रहे। ठीक है, हम देख लेंगे। सुनिए, हमने आपकी कुंडली स्वामी जी को दिखाई। उन्होंने कहा आपका वक्त खराब चल रहा है, आपकी उम्र दराजी के लिए उन्होंने एक बड़ा सा अमल करने के लिए कहा है। ठीक है। ए, ओपन द डोर। ए, ये क्या है? हाँ? ए, ये फोन कहाँ से आया? किसने दिया तुझे? हाँ? जेल में बैठकर बाहर किससे बात कर रहे हो? तुम्हें लगता है तुम बाहर के लोगों का खून करते रहोगे और हमें पता नहीं चलेगा? चल, आज तुम्हारी सारी होशियारी निकाल देंगे। बहुत अक्लमंद बनते हो ना? क्यों रे? बताओ फोन कहाँ से आया? बताओ! ऐसे घूर किसे रहे हो? होशियारी दिखा रहे हो? होशियारी दिखा रहे हो? सच उगलवाना हमारे दाएं हाथ का काम है, समझ रहे हो ना तुम? डॉक्टर श्रीकांत के कत्ल से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। बताओ तुम्हारा अगला शिकार कौन है? यस सर, मैं भी आता हूं सर। सर, आईजी सर मंदिर के लिए रवाना हुए हैं। ठीक है, नजर रखें। सर, कोई दुश्वारी नहीं है सर। हिफाजती इंतजाम सख्त कर दें। पूजा होने तक कोई भी अंदर दाखिल ना हो पाए। बेहतर। मंदिर का दरवाजा बंद कर दें। चौकन्ना रहें, केयरफुल। जी सर। ॐ ध्याये नृसिंहं तरुणार्कनेत्रं सिताम्बुजातं ज्वलिताग्रवक्त्रं ॐ भूर्भुवस्वः स्वाहा। अब आप नरसिंहादेव को हाथ जोड़कर नमस्कार करो। ओम अनादिमध्यांतमजं पुराणं परात्परेशं जगतां निधानम्। हरि ओम। ओम नरसिंहदेवताय नमः स्वाहा।
इंद्राय नमः स्वाहा। कौन है आप? तुम श्रीमन नारायण, तुम तो हवालात में थे, यहाँ कैसे आए? भगवान नरसिम्हा खंबे से तशरीफ लाए थे और उन्होंने हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ दिया था। वो भगवान नरसिम्हा थे। आज हम आपकी खोपड़ी खोलकर उसमें से पासवर्ड निकालने वाले हैं। ये श्रीमन नारायण की जुबान है। श्रीमन नहीं, देखो हम एक आईजी हैं। हिफाजती इंतजाम बहुत सख्त है, यहाँ से बचकर नहीं निकल पाओगे। इतनी सख्ती के बावजूद भी हम मंदिर में दाखिल हुए। आपको क्या लगता है खौफ खाकर हम आपको बख्श देंगे? रुको, आपको क्या गुमान हो रहा था कि हम कोई अभिमन्यु हैं जो आपके बिछाए हुए जाल में फंस जाएंगे? हम हैं श्रीमन नारायण, पासवर्ड बताएं। प्लीज हमें मत मारिए, पासवर्ड बताते हैं। पासवर्ड है आई, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ऐसी आपकी मर्जी। हेलो, आईजी का बहुत खौफनाक कत्ल हुआ है सर। व्हाट? ताज्जुब वाली बात यह है कि आईजी के लैपटॉप पर श्रीमन नारायण का फुटेज दिख रहा है। इसके पीछे क्या माजरा है पता लगाइए। जी सर। रघु, गाड़ी से नरसिम्हा मंदिर से कैद खाने तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है? कम से कम 20 मिनट सर। ड्राइवर जनाब, सेंट्रल जेल जाने के लिए कितना वक्त लगेगा? 10 मिनट। ओके, श्रीमन को मंदिर से जेल पहुंचने में अभी 20 मिनट लगेंगे और हम तकरीबन 10 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। अगर वो वहां नहीं मिला तो कातिल वही है। आप लोग फौरन वहां से निकले। बेहतर सर। क्या हुआ? ट्रैफिक जाम है सर। पीछे लेकर रास्ता बदल लें। पीछे जाने की कोई गुंजाइश नहीं है सर। डर क्यों रहे हो? ट्रैफिक कितना जाम हो गया पता है? अब जल्दी क्लियर करवाएं। लिफ्ट 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 लिफ्ट। जल्दी जाकर ट्रैफिक क्लियर करो। इधर जल्दी करो, आ जाओ आ जाओ। गुड मॉर्निंग जनाब शेखर। वेरी गुड मॉर्निंग। श्रीमन नारायण के सेल में कैमरे क्यों लगाए हुए हैं? आईजी साहब का हुक्म था। और कौन कौन शामिल है? सर, बद्री प्रसाद, प्रकाश रंजन, आईजी और हर्षद,
सुबह से श्रीमन नारायण कहाँ थे? अपने ही कैदखाने में थे। जय जवान फरेब, 3 दिनों में हमने पर्दाफाश कर दिया और हमारे जवानों को उनका हक दिलवा दिया। श्रीमन नारायण मौजूद है सर? हाँ, हमें गुड मॉर्निंग कह रहे थे। जय जवान घोटाले वाली फाइल लाकर हमें दे दीजिए। कत्ल हो चुके तीनों का हयात में जो 3 है उनसे क्या ताल्लुक है? उन तीनों को पकड़ लिया तो समझ लो जय किसान घोटाले की तफ्तीश काफी आगे निकल जाएगी। CBI हम पर बास की तरह नजर गड़ाए बैठी है। आप एक काम करें, कला मंदिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल रूबरू ट्रैफिक सिग्नल पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं। हमें यकीन है हमें भानु की किडनैपिंग के वहां पर पुख्ता सबूत हाथ लग जाएंगे। उन्हें इकट्ठा कर लें। क्या कमाल की बात कह दी सर जी, क्या खूब जहन दौड़ाया। CCTV कैमरे की फुटेज से आप बेगुनाह साबित होकर रिहा हो जाएंगे और फिर एक बात सुनिए। क्या? राज की बात है, आगे आए आगे। क्यों रे, बताओ फोन कहाँ से आया? बताओ, ऐसे घूर किस रहे हो? होशियारी दिखा रहे हो? होशियारी दिखा रहे हो? सच उगलवाना हमारे दाएं हाथ का काम है, समझ रहे हो ना तुम? आवाज रिकॉर्ड करके जेलर तो श्रीमन की मदद कर रहे हैं। हेलो, हम जेलर के असिस्टेंट कुमार बोल रहे हैं। आपके लिए एक खबर है, मोटी रकम लेंगे। कैसी खबर है? श्रीमन नारायण की जो मदद कर रहा है वो जेलर है। इस बात का इल्म कैसे हुआ? मेरी बात सुनो, ये CBI वाले हैं, केस के पीछे पड़े हैं। सुनो, हमारी मुलाजमत खतरे में पड़ सकती है। हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। हमारे ही टुकड़े खा के हमें ही कटवा रहा है, श्रीमंत का साथ देकर हमारा ही खात्मा करवा रहा है। चलो कहो, ऐसा क्यों किया? हमें मारना मत, हमें बख्श दे, बताते हैं, हम सब बताते हैं। 5,000 करोड़ का फरेब, क्या करेंगे उसका? आप बताएं आपको क्या चाहिए। हमें क्या चाहिए? इतनी अकड़ क्यों रे? जेल में सहूलियत नहीं चाहिए क्या? वो तो तुम्हारे पापा भी नहीं देंगे। हम चाहे तो आप हमें कैद खाने में शराब भी मुहैया करवाएंगे, और हम चाहे तो आप हमें रोज ताजा मुर्गा भी खिलाएंगे। अगर उब जाएं तो आप खुद हमारे सामने मुजरा भी करेंगे। अगर ये सब दे दिया तो मुझे क्या मिलेगा? फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। ए, कमीने, तू इतनी मार खाएगा ना कि हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। हम आपको मारेंगे तो आपको अस्पताल भी जाने की नौबत नहीं आएगी। शंकर शिंदे उर्फ शंकर नाइक, झटका जोरदार लगा। शंकर शिंदे, वालिद नारायण शिंदे, पैदाइश औरंगाबाद, रियासत महाराष्ट्र, ST कोटे में मुलाजमत हासिल की। ऊंची जाति में पैदा होने के बावजूद जाली सर्टिफिकेट की मदद लेनी पड़ी। मामला बाहर आया तो तुम अंदर। दफा 420 IPC के तहत कम से कम 5 साल कैद बामुशक्कत। इसी जेल में दावत खाना। शंकर शिंदे, आप चाहते क्या है? हम पक्के सियासतदान हैं, हम एतबार नहीं करते। हमारे ही पैसों से हमें चूना लगाने की हिम्मत की तूने? उसने तुम्हारा फायदा उठाया और तुमने हम सबको बेवकूफ बनाया। अनजाने में गलती हो जाती है, लेकिन जानबूझकर गलती को बढ़ावा देना सबसे बड़ा गुनाह है। एक मिनट रुके, इसे जूम करें। हाँ, यहाँ पर।
जांच क्यों नहीं कर पा रही है? क्या सीबीआई वो नहीं कर सकती जो एक जर्नलिस्ट कर सकता है? इस बात का खुलासा नहीं हुआ तो आवाम का सीबीआई से एतबार खत्म हो जाए। मजाक बना रखा है हम सबका, इस पर जल्दी कोई कार्रवाई करें, फौरन रिपोर्ट बनाकर अदालत में पेश करें। जी बेहतर सर। दोनों वकीलों की दलीलें सुनने के बाद हम सीबीआई की रिपोर्ट से मुतमईन हैं कि श्रीमान नारायण पूरी तरह से बेगुनाह है, इसलिए यह अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि वो श्रीमान नारायण को बाइज्जत बरी कर दे, और श्रीमान नारायण को हुक्म देती है कि जब भी सीबीआई ने तलब करे तो वो पेश हो और तहकीकात में साथ दे। तुम्हारे पापा ने जो ख्वाब देखा था उसकी ताबीर अब तुम्ही को पूरी करनी होगी बेटा। चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। कैलाश जी हमें छोड़कर कहीं नहीं गए, वो आज भी आपकी शक्ल में हमारे साथ हैं। आपकी हमारे पापा से जो भी उम्मीदें थीं, उन पर हम खरे उतरेंगे। भाईजान, हमें मुआफ कर दें भाईजान, उस रोज ना जाने हमने आपको क्या कुछ कहा। आप अपनी जगह बिल्कुल सही थे, आपने ही हमें अपना फर्ज याद दिलाया। खुश रहो बेटा। वो तीनों शहर से गायब हैं, उनके घर और दफ्तरों में ताले लगे हुए हैं, उनके फोन भी बंद आ रहे हैं। सर, हाँ, हर्षद मलेशिया पहुंच गया है, बद्री प्रकाश और प्रकाश रंजन शहर में नहीं है। ओह नो, अपनी कब्रें खुद खोद रहे हैं, खुद को हमारे हवाले कर दिया होता तो कैद खाने में तो जिंदा होते। खुद के सर पर तो कफन डालकर बैठा है, यह लगता है आपको भी कफन पहना कर रहेगा। अरे क्या हुआ, चुड़ैल कहीं की खिकी करके हंस रही है, यहाँ खौफ से हमारी जान जा रही है और तुझे इस वक्त जोर जोर से हंसी आ रही है। टीवी का तावीज बना के गले में लटका ले। नारायण, श्रीमन नारायण। आ गए तुम, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए वरना तुम्हारे पर काट देंगे। बताओ क्या इंतजाम किया है? भाई, फार्म हाउस के चारों तरफ लैंड माइंस बिछा दिए हैं, अगर किसी ने भी उस पर कदम रखा ना तो वो उड़ जाएगा। बेहतर है, अब आप जाओ। और हाँ, आप सुनो, अरे पंडित, ऐसे जान पर खड़े मत रहो, कुछ अमल करो, ऐसा अमल करो कि हमें मौत से बचा लिया जाए। बिल्कुल जनाब, हमारे उस्ताद महामृत्युंजय के अमल में माहिर हैं। करता है। आप क्यों मार रहे हैं उस्ताद? हमें मंदिरों के एतराफ में अमल करना चाहिए और हम बम के एतराफ में अमल कर रहे हैं, इस मोटे से छुटकारा पाना चाहिए। चलिए हमारे साथ आइए। उस्ताद जी, उस्ताद जी, अपने आप पर काबू रखें, इन्होंने यहाँ बम लगा रखा है, इस बम धमाके की चपेट में आप आ गए तो हम कहाँ जाएंगे। हाँ, कहने सुनने का वक्त नहीं है, आप हमारे पीछे पीछे आइए, इनके बम के चक्कर में हमारा दम ना निकले। मोहतरम उस्ताद जी, मुमकिन है वहाँ बम हो। आँख है कि एक्सरे मशीन? बताते हैं क्यों उस्ताद जी, बचपन में कंचे खेले थे ना, इसे बम के ऊपर फेंकेंगे, बम हुआ तो ये फट जाएगा वरना हम फूट जाएंगे। फेंकता हूँ, बम नहीं है। चलिए, बम पर इतना छोटा पत्थर फेंकेंगे, उस पर बड़ा पत्थर फेंके। उस्ताद जी, ये पत्थर है। धमाके की आवाज, मतलब श्रीमान ने कदम रखा और वो धमाके में उड़ गया। अरे वाह, कहाँ 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 श्रीमान की लाश, कहाँ? हम तो समझ रहे थे श्रीमान आया होगा, लेकिन यहाँ तुम दोनों खड़े हो, धमाके से तुम दोनों फट पड़े। अब एक काम करो, एक बम तो उड़ा दिया तुमने, अब एक काम करो, दूसरे बम पर जाओ, उस पर कदम रखो और उड़ जाओ। थू। उस्ताद जी, हमारे कपड़ों की तरह किताब भी फट गई है, उनकी मनहूसियत तो हमने बहुत दूर की है, मगर अब अपने लिए कोई रास्ता देखना होगा। बम पर पैर रख दिया उन्होंने, ऐसी हालत हो गई है मानो राह में चलता कोई भिखारी हो। अब हमें तो ऐसा लगता है कि हमारी भी यही हालत होने वाली है। अरे मिजाजे खुदा, फटे जूतों से जिंदगी हो गई, वो तो आपको बख्शेगा नहीं, इतने पैसों का क्या करेंगे, बच्चा पैदा करते तो ऐश करते। अरे एक और फरेब, अब क्या तीर मारा है, पता नहीं कहाँ कहाँ मुँह मार के आए हो। बद्री प्रसाद की नाजायज दुख्तर भानु ने डीएनए जांच करवाकर उनसे अपना रिश्ता साबित करने की ठान ली। अरे रे रे, मर गए। आज हम सच जानते हैं। मैं अपने और अपने पापा के लिए लड़ रही हूँ। हाँ, मैं बद्री प्रसाद की नाजायज बेटी हूँ। अरे रे, मत बोलना। आपके पास कोई सबूत है क्या? हाँ बताओ। मेरे पास एक ही सबूत है, मेरी माँ। तो माँ को बुलाओ ना। बेचारी नहीं रही। अच्छा, चल बसी। इतने सालों तक आपने इस राज का खुलासा क्यों नहीं किया? मेरे पापा की इज्जत कायम रखने के लिए माँ ने कभी कुछ नहीं कहा, आखिरी सांस तक बात छुपा कर रखी। लेकिन वो तो बहुत ही घटिया इंसान है, बद्री प्रसाद ने जीते जी मेरी माँ को मार डाला। आपकी कभी उनसे मुलाकात हुई? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं हुई ना। मुझे देखते ही उन्होंने गले लगा लिया था। नहीं, ये झूठ है। ये सच है, लेकिन मुझे अपना नहीं पाए। नहीं, बीवी की बदौलत
लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए। वरना मेरी माँ को ऊपर जाकर क्या जवाब देंगे? बद्री प्रसाद आपके पापा हैं ये साबित करने के लिए, आपके पास कोई सबूत है? अब ये फंसी फंसी। ये तस्वीर काफी होगी ना? हमारी अरे इसकी शक्ल तो देखो, इसकी शक्ल हमसे कहाँ मेल खा रही है। इसका गुलगुलशन आप ही हो, तस्वीर को देखो। देखे 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 गौर से देखें, देखो ये चेहरा इस चेहरे से कहीं से भी मेल खा रहा है क्या? सिर्फ रंग अलग है, उनकी नाक देखें, उनकी आंखें देखें, बिल्कुल आप जैसी हैं। तुझे पता ना कि हमारा बीपी हमेशा डाउन रहता है, तो हम कैसे इश्क करेंगे? बाहर वालियों के लिए तो बीपी अप रहता है, हमारे लिए बीपी डाउन। अरे ऐसा मत बोलो, तुम हमारी जाने मन हो। जाने मन कहकर जान ली है। रसगुल्ला, फाफड़ा, सांबर, बताए कहाँ क्या आइटम है, उससे फोन लगाइए, हमें उससे बात करनी है। उसका नंबर कहाँ से आया? अच्छा सुनो, हमारे पास उस चैनल का नंबर है, उनसे बात करते हैं। हम आपको अच्छे से जानते हैं। हम बद्री प्रसाद बोल रहे हैं। क्या भाई, कोई भी आपके चैनल पर आकर कुछ भी बकवास करेगा और आप उसको चला देंगे, हमारा तलाक हो जाता तो बड़ी मुश्किल से। तो हमें एक आदत भी मिली है। सर सिग्नल नालंदा जंगल से आ रहा है। शुक्रिया। हम चैनल को आग लगा देंगे। हाँ। देखा चैनल की कैसे क्लास ली? क्लास तो आपकी बड़ी मां लेंगी। हम इस मकान में आपके साथ एक सेकंड भी नहीं रहने वाले, हम अब भी जा रहे हैं। ए ड्राइवर, चल गाड़ी निकाल। थू, चुड़ैल कहीं की, सबसे ज्यादा तो यही टॉर्चर करती है। जाएं, जाएं, उस ड्राइवर के साथ ही भाग जाएं आप। हमसे गलती होगी, हम पर जूते चप्पल बरसा लें, लेकिन जान ना लें। हम आपको वो पासवर्ड बता देते हैं, आप उन गरीबों की मदद करें। मेहरबानी करके ये पिस्तौल हटा ले। आप हटाइए। हिचका हिचका हिचका। ये चल क्यों नहीं रही है? आपका फंडा को समझ में नहीं आया। आपके हाथ में पिस्तौल होती तो आप ट्रिगर दबाते हैं, हमारे हाथ में होती है तो आप पैरों पर गिरते हैं। क्यों बच्चे की जान ले रहे? वैसे ही कुछ दिन और बचे। आपको तो सिर्फ पैसों से मतलब है, हम आपको पैसा और पासवर्ड दोनों दे देंगे। खून बहाकर हवालात की हवा क्यों खाना चाहते हैं? पिस्तौल हटा लीजिए ना, हमारा पासवर्ड है M। खामोश, आपने अपनी जिंदगी के 60 साल खाक कर दिए। आपको मारकर हम अपने हाथ दागदार नहीं करेंगे, वैसे भी खुद अपनी मौत मारे जाओगे। पैर हटाओ, बम फटा। श्रीमन नारायण, हमने आपको पासवर्ड बता दिया ना, अब हमें मरने के लिए क्यों छोड़ रहे हैं? अरे कहाँ मर गए? इधर आओ जल्दी, बम हटाओ, जल्दी आओ, अरे मैं मर जाऊंगा। मिनिस्टर बद्री प्रसाद के फार्म हाउस में आज दोपहर को एक बम धमाका हुआ जिसमें कई लोगों की जाने गई। यहाँ पर इतने लोगों को मुर्दा देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। साबिक वजीर बद्री प्रसाद जी नक्सलवादियों के जरिए बिछाए गए लैंड माइंस के शिकार हुए। श्रीमन ने पहले सिलेंडर का इस्तेमाल किया और अब यहाँ पर लैंड माइंस का। कुछ तो शर्म करो, क्या कर रहे हैं? आज मिजाज बड़ा रोमांटिक लग रहा है। हर बात कहना जरूरी है, खुद भी समझा करो ना। बैठ जाएं। जाने मन
तेरी ये कमर कितनी पतली। ऐसी हरकत मत करें। मानो यार तुम ना बिल्कुल रोमानी नहीं हो। अरे रे दूध। या भानु आ जाओ या ओ, ये औरतों को समझना बहुत ही मुश्किल है। पहली मर्तबा इनकार करती हैं और फिर हाँ कर देती हैं। कमाल है। क्या हुआ? आपसे तो बस बर्फीले गोले गिरेंगे। जरा बाहर का नजारा देखें, आग के गोले बरस रहे हैं। कहना क्या चाह रहे हैं? चैनल सिक्स मतलब चैनल सिक्स। कमाल, खाना कम खा रही हो क्या? कमरा कमर कैसे हो गया? ये क्या कर रही हो? मेरी अमानत पर हाथ डाल रही हो? तुम कमाई? उसे देखकर अचानक बाल फिर से गीले हो गए। हमें लगा ये तुम्हारी कमर है। सौदा बोलिए मत। उसकी पत्नी कमर पर हाथ घुमाते घुमाते बड़े रोमांटिक हो रहे थे। सब समझती हूँ मैं। अभी नहीं भानो। कमर छोड़े इन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ छुआ। कहाँ? यहाँ वहाँ पर। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब ये सच कह रही है आपने सच में छुआ? हाँ, कुछ काम था इसके लिए। आपने धोखा दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं भानो, हमने तो वो सिर्फ चिप ढूंढने के लिए अपना हाथ। शर्मा क्यों रहे हैं? वो सोने वाली बात भी इन्हें बता दो। सोने वाली क्या बात है? बताएं मुझे। रात में हम आपके साथ ही सोए थे ना, अब हर बात उगलवाएंगे क्या? इनसे क्यों नहीं पूछती? इन्हें भी पता है। तुम्हें पता था क्या? हाँ पता था। बताओ मुझे, इन्होंने ये गुटर को कितनी बार की है? बताओ। एक ही मर्तबा किया। बताओ कब की? जब स्वप्निका ने आपको चैन दी। एस मतलब श्रीमान, ये चिन्ह आपने मुझे तोहफे में दी थी। मर गए। कहाँ चले गए? मैं छोड़ूंगी नहीं इन्हें, जान ले लूंगी इनकी। सुनिए, अब जब मामला इतना बढ़ गया है तो सारी सच्चाई जान ले। आप श्री के लिए पोस्ट पेड हैं, बिलिंग एड्रेस आपका है। हम प्री पेड हैं, टेम्पररी एड्रेस। जरूरत पड़ी तो वो हमारे पास आ जाएंगे। हाँ, जब ये आउट ऑफ नेटवर्क होंगी तो ये आपसे काम चला लेंगे। एग्जैक्टली। शुक्रिया शुक्रिया। सुनो, हमारी मंगनी हो चुकी है। कोई बात नहीं, रहना उन्हें आपके साथ है, हम तो बस आते जाते रहेंगे। मतलब इनकमिंग उधर से और आउटगोइंग इधर से। बाप रे, मेरे पास एक ही श्रीमन है। हमारे पास सिर्फ एक ही श्रीमन है। हम विस्की डालेंगे, अब सोडा डालना। और मैं बर्फ डालूंगा। देखो अपनी होशियार मत बनो। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। श्रीमन तो गया। हेलो, सीबीआई से शेखर बोल रहे हैं, क्या आप हमारे दफ्तर आ सकते हैं? जी बेहतर। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, प्लीज देखिए श्रीमन, आपसे गुफ्तगु फोन पे नहीं कर पाते क्योंकि ये गुफ्तगु बहुत ही खास है, इसलिए आपको यहाँ बुलाया है। यस सर, आ रहे हैं, बस हम अभी आते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस सर। शेखर साहब, ये क्या हो रहा है? बद्री प्रसाद की भी हत्या कर दी गई, मामला बिगड़ता जा रहा है। हमने बाकी दोनों को बचाने के लिए श्रीमन को यहाँ बुलाया है। श्रीमन को? यस सर। इन सब के कत्ल के पीछे श्रीमन का ही हाथ है, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं, इसलिए समझाने के लिए हमने उसे यहाँ बुलाया है। बेहतर है, कार्यवाही करें। सॉरी, आपके केस के सिलसिले में जरूरी बात हो रही थी, वही 5,000 करोड़ के घोटाले से मुतालिक। जनाब श्रीमन, 6 गुनहगारों में से 4 का कत्ल हो गया, किसने किया होगा? हमने। क्या? हमने भी यही सोचा, लेकिन जैसे ही हमारे हाथ कुछ लगता है फौरन आपको इत्तला कर देंगे। हेलो सर, प्रकाश रंजन के गोदाम में शॉर्ट सर्किट हो गया है। कितने बजे? बस कुछ ही देर पहले सर। हमें आयन वक्त बताएं। 11:20 सर। बेहतर। जनाब श्रीमन, एक अच्छी खबर है, प्रकाश रंजन मारा गया। हमारे लिए खबर क्यों कर अच्छी हुई, या आपके लिए बुरी खबर हो सकती है। हम सोच रहे थे कि आप बाकी दो लोगों को तो जिंदा पकड़ ही लेंगे, लेकिन उस कातिल ने आपको यह मौका भी फराहम नहीं किया। क्या अब हम चल सकते हैं? जी बिल्कुल। शुक्रिया। ये कोई मामूली हस्ती नहीं है। पुलिस ने उज्जवल स्पेस में हुए धमाके की जांच शुरू कर दी है। कल रात गोदाम में एक शॉर्ट सर्किट हुआ था जिससे यहां आग लगी और देखते ही देखते सारी जगह राख हो गई। गोदाम के मालिक प्रकाश रंजन की भी इस हादसे में मौत हो गई। हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। क्या ये कोई हादसा है या कोई साजिश, ये पता लगाने के लिए जाँच शुरू हो चुकी है। ये कैसे हो गया? प्रकाश रंजन और उनकी पत्नी शहर से भागने के फिराक में थे, अचानक वो कुछ कागजात लेने के लिए अपने इस गोदाम में आए। शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ धमाका हो गया। छुट्टी होने की वजह से यहाँ उस रोज ज्यादा लोग नहीं थे। प्रकाश रंजन की खबर क्या मिली? आप हमसे पहले यहाँ पहुँच गए?
जनाब शेखर साहब, हम पिछले 5 महीने से छुट्टी पर थे, आज ही ड्यूटी ज्वाइन की है। सी यू लेटर। हमारी किस्मत में यही लिखा था, हम लोग तो शहर छोड़कर गांव जाने वाले थे, फिर अचानक से गोदाम में उन्हें कुछ काम आ गया। कहने लगे गोदाम से कुछ जरूरी कागजात ले आता हूँ, यहाँ पता था कि वो कभी वापस नहीं आएंगे। हमें इस दुनिया में छोड़ गए, अब हम किसके भरोसे रहेंगे, हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप रो रही हैं क्योंकि आपके शौहर अब नहीं रहे, लेकिन लाखों किसान आपके शौहर के कारनामों की वजह से रो रहे हैं। आपके शौहर के पास जो पासवर्ड था, सिर्फ उसी से उन गरीबों के आंसू थम सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड पता हो तो बराए मेहरबानी बता दें। इस मुतालिक मुझे नहीं पता। मेहरबानी करके सच बोलें। मेरे मरहूम शौहर की कसम, मैं इसके मुतालिक कुछ भी नहीं जानती हूँ। आम तौर पर बेटे अपने वालिद से दौलत और जायदाद की फरमाइश करते हैं, मगर तुमने हमारे ख्वाब पूरे किए, हमें तुम पर फख्र है बेटा। उस वक्त हमारी वजह से आपकी जान गई, आज हमारी वजह से आपके ख्वाब की ताबीर मुकम्मल नहीं हुई। आज हैदराबाद में एक स्पिरिट गोदाम में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बड़ा धमाका हुआ। कंपनी के मालिक प्रकाश रंजन की उस धमाके में मौत हो गई। वो एक्स मिनिस्टर जनाब बद्री प्रसाद के साले थे। कहा जाता है कि कुछ जरूरी कागजात लेने के लिए वो गोदाम। आपका मनसूबा काम कर गया हर्षद भाई। उसे पासवर्ड चाहिए था, उसी पासवर्ड की वजह से अब वो पत्थरों से अपना सिर टकरा रहा होगा। आप इस जहां में नहीं रहे इसलिए आपके खिलाफ सारे केस बंद। रिलैक्स, ऐश करें भाई। ऐश कैसे करें यार, उस कमीने श्रीमन का ख्याल आते ही दिल करता कि यहीं दफन कर दें। उसने हमारी इज्जत और शोहरत को खाक में मिला दिया। जब तक वो मरेगा नहीं, सुकून नहीं मिलेगा। अब उसके झमेले में दोबारा न पड़े, अपने वालिद के ख्वाब को पूरा करने के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। वक्त आने पर उसे भी ठिकाने लगा देंगे। फिक्र छोड़ें, एंजॉय न्यू लाइफ विद न्यू वाइफ। चीयर्स। कैसे करें यार, उस कमीने श्रीमान का ख्याल आते ही दिल करता कि यहीं दफन कर दें। उसने हमारी इज्जत और शोहरत को खाक में मिला दिया। जब तक वो मरेगा नहीं, सुकून नहीं मिलेगा। हेलो श्रीमान, आपने एमएमएस देखा होगा, आपके लिए खुशखबरी है। प्रकाश रंजन का पता चल गया है, वो मलेशिया में हर्षद के बंगले में ऐश कर रहा है। हम आपको वहां का पता भेजते हैं, ऐश करें। इस देसी को कितनी अंग्रेजी पिलाओगी, नशा नहीं हो रहा, सबको कॉकटेल बनाओ। अरे खाना। ये क्या, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चिकन खाया। अरे जीजा जी, खाना जैसे। मस्तान जी जनाब, फौरन हिंदुस्तान की टिकट बुक करें, उस कमीने को जाके ठोकना है। सिर्फ ठोकना नहीं है, कुत्ते की तरह दौड़ा के मारना है। तुझे ही फोन कर रहा था, तेरी मौत तुझे यहाँ लेकर आई है। हमारे जीजा को मारा है तूने, अब तू मरेगा। तू यहाँ पासवर्ड लेने आया है ना, लेकिन अब यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। तू, तुम्हें भी तुम्हारे पिता के पास पहुंचा देंगे। हमने इस पे पासवर्ड लिख दिया है, हिम्मत है तो ले ले। आप यहाँ सिर्फ एक पासवर्ड लेने की बात कर रहे हैं, याद नहीं 4 पासवर्ड हासिल करने के लिए आपके साथियों का क्या हाल किया था। उनके पासवर्ड हम बताते हैं, बताए क्या? 4KIN। Yep, 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 yep,
ना जाने कितने खून किए हमने, किसी की हिम्मत नहीं हमसे दुश्मनी मोल लेने की। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी लाश भी नसीब नहीं होगी। आ जाएं। हमारी जिंदगी में तुम्हें पासवर्ड मिलने से रहा। अरे उल्लू, हमें पासवर्ड का इल्म है। ए, अब तुम किसी मसरफ की दवा नहीं। श्रीमन नारायण, काफी ऐश हो गई। अब आपकी बारी। इस वक्त आप हो कहाँ? अपने खानदान का हाल पूछो। हमारे नामाकूल दोस्त तुमसे वाकफियत नहीं रखते थे, लेकिन हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। शेर के शिकार के लिए बकरी को चारा बनाना पड़ता है। तुम्हारी मौत की मोहर तुम्हारे खानदान पर लगेगी। ऐश खत्म, जद्दोजहद शुरू। तुम्हारे शहर में, तुम्हारे इलाके में, तुम्हारे बाप की फैक्ट्री में खड़े हैं। आ जाओ, आ जाओ। हमने अपना काम कर दिया है। हर्षद राणे ने हमारे घर वालों को अगवा कर लिया है। क्या? जल्दी उसकी लोकेशन का पता लगाएं। आ जाएं, आए। तुम्हें आता देखकर लग रहा है जैसे हमारे 5,000 करोड़ हमारे पास चलकर आ रहे हैं। पासवर्ड बताओ और अपने घर वालों को ले जाओ। हमारे घर वाले कहाँ हैं? हमें माँ से बात करनी है। इंसान की रगों में भले शेर का खून हो, लेकिन जज्बात के आगे घुटने टेक ही देता है। ए, श्रीमन की अम्मी को फोन दें। बेटा, माँ आप फिक्र ना करें, हम पहुँच गए हैं। चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन तुम उसे पासवर्ड मत बताना। वो किसानों का हक है, उन तक पहुंचना चाहिए। भाईजान, हमारे जिस्म पर बॉम्ब है, हमें बचाएं। अगर हमने यहाँ नंबर डायल किया तो वहाँ बॉम्ब का धमाका होगा। तुम्हारे खानदान के चीथड़े उड़ जाएंगे। पहचानना मुश्किल होगा कि कौन माँ है और कौन महबूबा। पासवर्ड टाइप करें। बताते बताते। दे, दे। मेरा पासवर्ड है आई। चौथा लेटर आपका है, टाइप करें। अब आपकी बारी है, जल्दी टाइप करें।
आखिरी लेटर टाइप करके अपने खानदान को बचा लें। सॉरी दोस्त, जब तक पैसा ट्रांसफर नहीं होता तब तक आपका खानदान हमारी गिरफ्त में है। हमारे निकलने तक हमारे आदमी आपकी खिदमत करेंगे। ये क्या, अकाउंट लॉगिन क्यों नहीं हुआ? अरे चिरकुट राणे, आखिरी दो लेटर गलत हैं, लेकिन अब हमें आपका पासवर्ड पता चल गया है। कमीने, हमारे साथ होशियारी, तुम्हारे खानदान को उड़ा देंगे। तुम्हें झक मार कर पासवर्ड बताना ही पड़ेगा। उस नंबर पर कॉल करके इसके पूरे खानदान को उड़ा दें। फोन लगाएं। जाने अनजाने में आप लोगों से जो पासवर्ड क्रिएट हुआ था वो था फोर किसान, जय किसान, अवर किसान। ए, 0 वोल्ट के बल्ब में उंगली चली जाए तो लगता है जैसे चींटी ने काटा, 60 वोल्ट के बल्ब में उंगली चली जाए तो लगता है बिच्छू ने डंग मारा, लेकिन गलती से ट्रांसफार्मर में हाथ लग जाए तो कमबख्त इंसान पल भर में खाक हो जाता है। सर, गुना हमारे सामने हुआ है, गिरफ्तार करें। सबूत भी तो चाहिए, यहाँ पर मौजूद एक भी गवाही नहीं देगा। सुनिए, इसकी मौत कैसे हुई? वो अचानक ट्रांसफार्मर से टकरा गए और जलकर मर गए। लेकिन ये गलत है सर। हम खुद इनसे इत्तेफाक रखते हैं। जनाब श्रीमन नारायण, जय किसान तंजीम के लिए हम अपनी तरफ से 25,000 का चेक भिजवा रहे हैं। शुक्रिया सर। मोस्ट वेलकम। वैसे जनाब श्रीमन, ये कातिल वाकई बड़ा होशियार है। पहले सिलेंडर का इस्तेमाल किया, फिर लैंडमाइंस का किया, और अब यहाँ ट्रांसफार्मर का। वाकई बहुत जहीन है। वैसे खैर, अगर आपको उसके बारे में कोई खबर मिली तो हमें इत्तला कीजिए प्लीज। जी बिल्कुल। शुक्रिया और मुबारक हो। माँ,
अरे आइए। जय किसान के काम के दरमियान दुनिया की कोई ताकत नहीं आ सकती। कल से हम अपना काम शुरू कर देंगे और फिर हर किसान हर रोज दिवाली मनाएगा। ये!